फिलहाल भाई लास्ट एपिसोड में ट्रेवर फाइनली सबसे ज्यादा अमीर बन चुका है। अमेजिंग, हम लोगों ने फिर बाकी काम किए। आपको पता लगा भाई फिलहाल ड्रैकुला की क्या क्या स्किल्स थी, अगर आप लोगों ने लास्ट एपिसोड चेकआउट नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा अमेजिंग काम देखने को मिल गए। हमारा ड्रैकुला भैया जो है वो मतलब जो कुछ भी आप बोलो, बट भाई वो बंदा बड़ा ही खतरनाक है। फिलहाल वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा भी है, वो एक डॉक्टर है भाई, डॉक्टर ड्रैकुला। वो बंदा ऐसे खड़े खड़े बंदों को हिप्नोटाइज कर सकता है बहुत ही इजी तरीके से, और सामने वाले बंदे को ये पता नहीं रहेगा कि वो असली जिंदगी में या फिर सपनों की दुनिया को देख रहा है। ड्राइवर के साथ काफी चीजें उसने ऐसे ही करी मेरे साथ में, बट मैंने इसका हल निकाल लिया है, सोल्यूशन मिल चुका है। वो ये कि अगर सपने में अपने ख्वाब को खुद को मार लो तो बाहर निकल सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका, हमारा प्यार ड्रैकुला ही बस हमें बाहर निकाल सकता है। ये सिर्फ दो ही तरीके हैं और कुछ भी तरीका नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा रिस्की भी है। बट अच्छी बात क्या है भाई, मेरे को फिर एक बात ये बताई किंग डेविड ने कि ट्रेवर सोना मत, अगर जब तक तो सोएगा नहीं कुछ नहीं होगा। तो फिलहाल तब से भाई मैं सो नहीं रहा, 3 या 4 दिन हो गए, ड्राइवर आराम से ऐसे ही घूम रहा है गोली खा खा कर। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जागने की कोशिश करूँ, वैसे भी ड्राइवर बहुत कम सोता है, तो कोशिश यही है कि भाई जल्दी से ड्रैकुला को ठिकाने लगा दो। उसके लिए मैंने बहुत तगड़ा सेटअप बनवा के रखा है, वो जल्दी आपको देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि ड्रैकुला को मैं एक जगह ऐसे बंद करूंगा जहां से वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वो जगह बन रही है जैसे मैंने डेविड का कराया ना, एंड ऐसे ही मैं उसको भी सीधा करने वाला हूँ, बहुत जल्द वो होने वाला है। बट फिलहाल भाई अभी आपको होती है, हम दुनिया के सबसे अमीर बंदे बन चुके हैं, तो अभी ये सभी चीज़ों में अभी देखो धीरे धीरे काम करेंगे। मतलब कि अभी आपको पता ही है मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा, आज से हम अपनी लाइफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे। आपको बताइए अपने ट्रैवल रिच लाइफ थोड़ी और इम्प्रूव करनी है। मैंने फिलहाल एक जो 2-4 मतलब जगहों का पता लगाया है जहाँ पर वो मैं जगह लूँगा स्पेशली अपनी गैंग के लिए, फिर नई कार्स, बहुत सारे काम और भी मैं शुरू करने वाला हूँ। मैंने माइकल के लिए नए बिजनेस सोच लिए सारे के सारे। फ्रैंकलिन को मैंने आपको बोल ही रखा है, फ्रैंकलिन मेरा सारा गोल्ड का एंड डायमंड का बिजनेस संभालने वाला है। अभी भी वो यही काम करता है, बट आगे उसको और अलग लेवल पर करने वाला है। फिलहाल अभी मैं अपनी रिच लाइफ इतनी अमेजिंग कर लूंगा कि अगर फ्यूचर में कुछ भी दिक्कत हुई गैंगस्टर डिसिप्लिन से ले गया फिर किसी और भी गैंग से, तो कोई मुझे टच भी नहीं कर पाएगा। तो चलिए फिलहाल भाई गेम को शुरू करते हैं, क्योंकि ट्रेवर इस वक्त कुछ बंदों को मारने के लिए गया था। उसको इन्फॉर्मेशन दी थी मेरे प्यारे माइकल ने, लेस्टर अभी भी नाराज चल रहा है, आपको पता है मैंने उसको पीट दिया था लास्ट एपिसोड में। और हाँ, लास्ट एपिसोड में एक काम और हो गया था भाई, आपको बताइए ट्रेवर के बहुत सारे पैसे चोरी कर लिए ड्रैकुला ने, बात समझ नहीं आ रही क्यों। वो पैसे अभी तक मेरे को मिला ही नहीं भाई, पता ही नहीं चल पाया कौन से रास्ते से उनको लेकर गया, कहाँ से गया, कैमराज में कुछ भी हमें नहीं मिला। फिलहाल हमारे वो सारे पैसे बेकार हो गए, बट कोई बात नहीं, जल्दी मैं उनको ढूंढ निकालूंगा। अपना प्यारा ड्राइवर आ चुका है, और फिलहाल भाई बंदों को जल्दी सीधा करता हूँ मैं, क्योंकि प्लेन बहुत स्पीड पर चल रहा है और शायद से प्लेन ना थोड़ा ऊपर भी जाना शुरू हो गया है। इससे पहले ड्राइवर तू नीचे गिरे भाई, जल्दी से इनका नेता बना, क्योंकि छोड़ूंगा किसी को नहीं, मारने आया हूँ तो इन्फॉर्मेशन तो मैं लेके रहूँगा। भाई ये पायलट पागल हो गया प्लेन का, ये प्लेन को आसमान में क्यों लेकर के जा रहा है, क्या करना क्या चाह रहा है ये भाई साहब हमारा। जल्दी 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 जल्दी, एक सेकंड, प्लेन फट भी गया। ड्राइवर ब्रो आराम से, एंड मैं नीचे। ये प्लेन वाला बंदा यार सच्ची में बड़ा अजीब निकला, मानता हूँ मैं बंदों को सीधा करने में लग रहा था, बट फिर भी भाई ये काम मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, अमेजिंग लेवल का काम हो गया। फिलहाल बंदे बेचारे ऊपर से गिर गए, ये प्लेन वाले की गलती है भाई, प्लेन पता नहीं कहाँ पर ले गया, कौन से पाताल में ले गया, बंदे तो बहुत ही तेज तरीके से गिर रहे बेचारे। तो सॉरी ब्रो, बट आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं, आते ही गोली भी चला दी मेरे ऊपर। इन्फॉर्मेशन तो लेने का मेरे को लगता है कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सारे बंदे नीचे गिरेंगे, एंड नीचे गिरते इनका नेता बनेगा बहुत बुरी तरीके से। अभी तक नीचे गिरे नहीं भाई, तो मेरे पैराशूट के बराबर के हिसाब से जा रहे हैं, बिना पैराशूट लगाए इतने आराम से कैसे गिर रहे हैं बंदे। अब जो भी है वो तो देखना ही पड़ेगा ना। चल ट्रेवर जरा नीचे आ जा भाई, नीचे आ जा, एंड लो ये लो बंदे भाई अब नीचे गिरना शुरू हो गए। ट्रेवर जरा आराम से लैंडिंग कराइए, एंड उसके बाद चलिए इनको देख लेंगे। बस ट्रेवर नीचे गिर जाओ ब्रो, ये देख रहे हो भाई नीचे लैंड कराने के लिए 100 ड्रामे कर रहा है। फाइनल नीचे आ चुके हैं, देखो कोई बचा तो होगा ही नहीं, बचना इम्पॉसिबल है, इतने ऊपर से कोई गिर के कौन बचेगा। ओके एक बंदा और अभी हवाओं में तैर रहा था, अब आकर के नीचे गिरा, तो चेक करता हूँ सांसे है नहीं है, वैसे मुझे नहीं लगता इम्पॉसिबल है बचना, बंदा नहीं बच पाया। गाड़ी मंगाता हूँ, आर्मी को बुलाता हूँ, एंड निकलते हैं यहाँ से। मेरी आर्मी बस मेरे पास आने वाली है, अभी आर्मी के बिना नहीं घूमूंगा, अभी थोड़ा स्वैग दिखा करके चलना पड़ेगा, अब थोड़ा और ज़्यादा मजा आएगा। देखो फिलहाल मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, आपको बहुत से बंदे ये सोच रहे हो कि भाई अभी ट्रेवर की लाइफ ऐसी, मतलब कि अभी हम सबसे बड़े माफिया बन चुके हैं, सबसे ज़्यादा अमीर बंदे बन चुके, तो और कुछ नहीं है। देखो ऐसा कभी नहीं होता, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक पुलिस वाला बंदा है, तो अब उसने एक केस सोल्व कर लिया, क्रिमिनल को पकड़ लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी लाइफ अब उसके पास कोई केस ही नहीं आएगा, या फिर पूरी लाइफ अब वो ऐसे ही फ्री बैठने वाला है पुलिस स्टेशन में, कोई कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एक केस पूरा होता है तो दूसरा आ जाता है, पुलिस वाला हमेशा बिजी रहता है जब तक जॉब करता है। ऐसे ही सेम गैंगस्टर की लाइफ होती है, ड्राइवर गैंगस्टर है, ये कोई इजी लाइफ नहीं है,
मानता हूं मैं आज सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा ट्रेवर का आज की डेट में मतलब पावर से, हर एक चीज ट्रेवर के पास आज की डेट में है, बट इससे ये नहीं होता कि मेरे दुश्मन नहीं आएंगे। हर किसी को लालच होता है दुनिया में, कभी ना कभी कोई ना कोई आता रहेगा ही। इसलिए देखो वो भी हम साइड साइड सारे काम करेंगे, मतलब माफिया का मैटर भी मैं करते ही रहूंगा सोल्व, अगर कोई बंदा आएगा जो कुछ भी काम करेगा। बट मैंने एक चीज़ और डिसाइड कर ली है, हम साथ के साथ अपनी रिच लाइफ को भी इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी यही गलती करी थी, आपको बताइए हम अपनी रिच लाइफ पर फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से कोई भी माफिया हमसे जब आकर के धोखे से पैसे ले लेता है तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचता, मैं रोड पर आ गया था लास्ट टाइम भी। तो इसलिए पहले मैं अपनी बैक इतनी मजबूत कर लूँगा कि अगर फ्यूचर में अगर मान लो 1% बुरा वक्त भी आया ड्राइवर के पास कुछ भी नहीं रहा, तो कम से कम अपनी आर्मी एंड अपना वो पैसा जो मैं इधर उधर रखूंगा या सारी चीज़ जो भी करूंगा तो अपने पास ही रहेगी, कोई मुझसे छीन नहीं पाएगा। इसलिए अपनी रिच लाइफ एंड अपने खुद के काम, माइकल को इतना बड़ा बिजनेसमैन बनाऊंगा मैं, बहुत ज़्यादा मैंने सोच लिया है। फ्रैंकलिन को भी बहुत अमेजिंग लेवल में करवाने वाला हूँ, मैंने पहले से सारी प्लानिंग कर ली है। अभी आप लोग देखिएगा नेक्स्ट एपिसोड में सारे के सारे मेरे बंदे बड़े ऊपर ऊपर लेवल हो जाएंगे, बट धीरे धीरे सारी सारी आपको प्रेस मिलेगी। आज की डेट में मैं एक बहुत बड़ा बेस कब्जाने वाला हूँ, जिसके बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कल रात ही, वो बेस मैं खरीद रहा हूँ स्पेशली अपनी उस गैंग के लिए, उस आर्मी के लिए जो मैं बनवा रहा हूँ। मज़ा आएगा भाई। चलिए फिलहाल मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में वो किसका बेस है एंड क्यों मैं उसको कब्जाऊँगा एंड वहाँ पर मैं अपनी आर्मी रखूँगा, वो भी एक तरीके से रिच लाइफ में ही आएगा क्योंकि वो बहुत बड़ा बेस है। मेरे पास मेरी प्यारी BMW आ चुकी है एंड मेरी आर्मी मेरे को हेलीकॉप्टर से प्यार से फॉलो कर रही है, ये मेरे को फॉलो करती रहेगी परमानेंट भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई रिस्क वाला काम हो, क्योंकि जब से भाई आपको बताइए ड्रैगन हिप्नोटाइज मेरे को करता है, मेरे को पता नहीं रहता मेरे साथ होता क्या है, इसलिए मैंने बैकअप के तौर पर इनको रखा है ताकि अगर मेरे साथ कुछ हादसा हो जाए तो ये मेरे को हिप्नोटाइज ना होने दे और कुछ भी सॉल्यूशन मतलब कर दे, मेरा काम बहुत ईजी हो जाएगा। फिलहाल भाई आपको बताइए मैं बिजनेस में इसलिए भी घुस रहा हूँ, मेरी रिच लाइफ इसलिए भी शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही है मैं गैंग सिर्फ डिसिप्लिन का बोस हूँ, बहुत जिम्मेदारी आ गई है। ये तो मैं फिलहाल ट्रैगुलर के चक्कर में बंदों को इग्नोर कर रहा हूँ, नहीं तो सुबह शाम बंदे इतना मेरे को फोन करते हैं ट्रैवल सर आ जाइए यहाँ पर, ये मीटिंग करनी है। आपको बताइए भाई दुनिया भर के काम है गैंगस्टर ऑफ डिसिप्लिन के, तो मैं सबसे बड़ा हेड उनका, तो भाई मेरे को मीटिंग करनी पड़ी क्लाइंट से कि अब हमें यहाँ पर माल भिजवाना है, यहाँ पर ये गोल्ड का डील करनी है, यहाँ पर गोल्ड की माइन लगानी है या फिर कुछ भी जो कुछ करना है वो सब मुझे ही तो मैनेज करना पड़ेगा हर एक चीज़, तो इसलिए बहुत फोन आते हैं बंदों के। तो इसलिए मैंने सोचा कि शुरू करते हैं बिजनेस को भी ध्यान देना, साथ के साथ सारे काम धीरे धीरे आराम से होते रहेंगे, उससे मेरा ही फायदा होगा। मैं अपनी बैग इतनी अच्छी कर लूँगा कि कोई अगर टच भी करना चाहे तो दूर से ही भाग जाएगा देख करके भाई ट्रैवलर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी ये किंग डेविड की ही पावर आप लोग सोच लीजिए, क्योंकि उसने मुझे दी है, मेरे को इसको जीतना पड़ेगा अच्छे तरीके से ताकि सब मुझसे डरे, फिर किंग डेविड का डर ही खत्म हो जाए ए टू जेड पूरा। मैं यही चीज़ करने में सोच रहा हूँ, वो धीरे धीरे हो जाएगा, मैंने बहुत अच्छी प्लानिंग बना ली है, आप लोग देखिएगा धीरे धीरे एपिसोड्स में सारी चीज़ परफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ट्रैवलर बन चुका है। बट बंदों को मैंने दिल से तो नहीं जीता ना, मतलब अपनी पावर से नहीं जीता, आपको याद ही हम लोग बॉस कैसे बने, किंग डेविड की वजह से, उसने ही मेरे को बनाया इसलिए बने, तो इसलिए मेरे को अपने तरीके से उसको अपना बनाना पड़ेगा। पहुंच चुका हूं मैं जगह पर बंदे से मिलने के लिए, आर्मी आती रहेगी पीछे फॉलो कर रही है मेरे को, मतलब यहाँ पर मैं किससे मिलने के लिए आया हूँ, यहाँ पर वो मेरा प्यारा बंदा है, मतलब मेरा दोस्त नहीं है, एक तरीके से फ्रैंकलिन का दोस्त है, बहुत टाइम पहले जब ड्राइवर नहीं था शहर में, ड्राइवर ब्रो नीचे उतरो, तो मतलब फ्रैंकलिन यहाँ पर आया था अपने दोस्त से मिलने के लिए एंड उसने बोला था भाई मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए काफ़ी सारी चीज़ों की, बंदे ने तब भी हेल्प करी थी एंड ये बंदा आज भी हेल्प करेगा। दरअसल इससे ही मैंने पता लगवाया, देखो भाई हमें बेस के बारे में पता नहीं लगा, वो बेस के एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, बट कुछ कुछ डिटेल मेरे को ऊपर से पता लगी है। हेलो भाई क्या हाल चाल है, फ्रैंकलिन के दोस्त हो तो मैंने सोचा काफ़ी अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकालते हो, तो ज़रा बताओ मुझे वो बेस कहाँ पर है ड्रैगुला का, जहाँ पर ड्रैगुला पिछले कुछ सालों से रह रहा था, मेरे को पता करना है उस चीज़ के बारे में। मैंने बंदे से पता कर लिया, बंदा मेरे को बोल रहा है ट्रैवल सर मैं लगाऊँ, मैं ड्रैगुला के उस बेस को जल्दी आपको ढूंढ करके निकाल दूंगा। फिलहाल भाई आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैं ड्रैगुला का ही एक बहुत बड़ा बेस कब्जाने वाला हूँ, जिससे दो फायदे होंगे मेरे, मेरे को बेस भी मिलेगा, मेरी आर्मी का घर भी मिल जाएगा मेरे को, एंड ड्रैगुला की थोड़ी सी मतलब वो कहते हैं ना अकड़ कम हो जाएगी, एटीट्यूड टूट जाएगा कि ट्रैवल ने मेरा बेस मेरा घर मुझसे छीन लिया। ये वही जगह है जहाँ पर किंग डेविड ने पिछले 30 सालों से बंद करके रखा था ड्रैगुला को, वही जगह पर मैं जाने वाला हूँ, वही ढूंढ रहा हूँ वहीं जल्दी से, वो जगह मेरे को मिलेगी तो वहाँ पर आगे से मेरी आर्मी रहेगी एंड ड्रैगुला को डर हो जाएगा, क्योंकि उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और आपको बताइए मेरे पैसे बच जाएंगे, नहीं तो देखो भाई मैं ढूंढ रहा था एक हेडक्वार्टर एक बेस में ढूंढ रहा था अपनी आर्मी के लिए ताकि मेरी आर्मी वहाँ पर रहे अच्छे तरीके से, बट मैंने सोचा क्यों ना अपनी पावर्स को यूज़ करके पैसे क्यों देने कब्जा कर लेते हैं। मैंने बंदे को सारी बातें समझा दिया, बाकी भी बंदा बोल रहा है ट्रेवल से थोड़ा सा इंतजार कीजिए जल्दी मैं आपको सारी चीज़ें इनकी अपडेट दे दूंगा और आपको सारी बातें बता दूंगा। तो फिलहाल भाई आपको कुछ ही एपिसोड्स पे धीरे धीरे ट्रेवल का मैं कार कलेक्शन भी दिखाऊंगा, बहुत टाइम से बंदे बोलते रहते हैं कार कलेक्शन भी, उसका मैंने एक अरेंजमेंट कर लिया है, मैंने अपनी सभी कार्स को धीरे धीरे
गैरेज में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। मेरे पे बहुत अच्छा गैरेज है जो काफ़ी फ्लोर्स का है, तो हर एक गैरेज में मैंने 40 से 50 गाड़ी लगवा दी है, मतलब हर एक फ्लोर पर आराम से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं आपको सारी सारी कार्स अपने दिखा सकता हूँ, अमेजिंग तरीके से सारी कार्स भी आपको मैं दिखाऊंगा। रिच लाइफ में काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, नया मेरा मेंशन। मैं सोच रहा हूँ भाई मैं अपना नया घर भी ले लूँ, क्योंकि पैसा ही बहुत ज़्यादा, क्या करें, खर्च तो करना ही पड़ेगा ना कहीं से कहीं, तो इसलिए मैंने एक नया मेंशन भी तलाश किया है। मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा उसको भी, ड्राइवर के लिए भी एंड माइकल के लिए भी। ऐसा मत सोचिए मैं अपने लिए सारा काम कर रहा हूँ, मैंने माइकल के लिए भी एक बहुत अच्छा सा घर देखा है, मैं उसको जल्दी आपको दिखाऊंगा, फिर आप लोग बताइएगा उसको लेना ठीक रहेगा नहीं रहेगा। वैसे मैं पैसे कम ही दूंगा, मेरे से बंदे डरते बहुत है, पैसा ज़्यादा मांगते नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत दे दूंगा, मैं नहीं चाहता किसी गरीब बंदे को परेशान करे। पहुंच चुका हूं भाई मैं जगह पर, तो फिलहाल ये काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिच लाइफ तो मैं करूंगा ही साथ साथ, बट ये काम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ट्रेवल की लाइफ में आगे रखे हैं ना कुछ बंदे, इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचिएगा मैंने सब कुछ पा लिया, सब कुछ जीत लिया, तो ट्रेवल हार नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त अपनी लाइफ में जो बंदे हैं ना कुछ, किंग डेविड, ड्रैकुला एंड और भी बहुत सारे बंदे, अभी तो अपकमिंग बहुत बंदे शायद से आ सकते हैं, क्योंकि किंग डेविड मेरे को लगता है बहुत सारी बातें मुझे छुपा रहा है। देखो मैं सारे सस्पेंस खराब नहीं करता, फ्यूचर में आप धीरे धीरे सारी चीज़ें जान जाओ कौन की क्या है, क्या हर हिसाब है, इसलिए मैं बहुत डर रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी बैकअप खुद बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है किंग डेविड ने मेरे को पावर्स दिए हैं, बट वो चाहे तो कभी भी इसको ले भी सकता है। वो बड़ा चालाक बंदा है, वो किसी वजह से रुक के रखा है सिर्फ, जो भी है वो मैं जल्द ही पता लगा लूँगा किस वजह से रुक रहा है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी बैग इतनी अच्छी कर लेता हूँ, किंग डेविड मेरा कभी भी कुछ बिगाड़ ना पाए, अगर गैंगस्टर डिसिप्लिन भी मुझसे दूर चली जाए ना, तब भी मैं उससे ही पावरफुल रहूँ। सारे काम मैं प्लानिंग से करूँगा और अच्छे से। मेरे प्यारे हसमुख, बिग माफिया क्या हुआ, आपको होती है बिग माफिया, भूलना मत उसको। वो नमूना मेरे पास आया, मेरे को बोला ट्रेवर तेरे पापा का लॉकेट ओपन करना है, वही लॉकेट जो बहुत टाइम पहले डेविड ने मुझसे लिया था बैंक से, मैंने उसको नकली दिया था, तो वो लॉकेट बिग माफिया के पास कैसे गया, और वो तो मर गया था, डेविड ने उसको मारा था। देख रहे हो भाई क्या कन्फ्यूजन करके रखे बंदों ने, जल्दी पता लगेगा इन सभी के सब, मतलब इन सभी बंदों का सस्पेंस। हसमुख बोल रहा है बिग माफिया इस वक्त भूत वाले घर पर कुछ बंदों के साथ मीटिंग कर रहा है, ट्रेवर तुरंत पहुंच वहीं पे जाकर इसको पकड़ ले एंड पूछताछ कर ले। अमेजिंग यार, बंदे ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, तो चलिए फटाफट से भाई बिग माफिया को पकड़ता हूँ, क्योंकि बिग माफिया को पकड़ने के बाद मैं काफ़ी सारी चीज़ें जान जाऊँगा ड्रैकुला के बारे में, क्योंकि इस वक्त वो दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, ड्रैकुला एंड बिग माफिया एक साथ है एंड दोनों डेविड को ही खत्म करना चाहते हैं, एंड और भी बहुत सारे उनके काम है। निकलता हूँ जल्दी से एंड ऊपर से लॉकेट उसका भूलना मत। पहुँच चुका हूँ भाई मैं जगह पर, थोड़ा पीछे हो जाता हूँ यार, बिग माफिया को देख करके मेरे को दुख होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिग माफिया मेरा इतना अच्छा दोस्त था, मेरे को यकीन नहीं होता कि इस बंदे ने मेरे को धोखा दिया यार, ये मेरे सबसे बड़े दुश्मनों के साथ जा करके मिल गया, इतनी बेकार बात होती है बताओ, इसने मेरे को धोखा दिया, अच्छा नहीं लगा मेरे को बिल्कुल भी। ऊपर से मेरे ऊपर अटैक भी किया, मेरे को 2 रुपये का बंदा समझ रहा है, बोलता है ड्राइवर तो कुछ नहीं कर पाएगा, मैं तेरे को जिंदा छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे को बता दे लॉकेट कैसे ओपन होगा। आखिर ये ड्राइवर के पापा के लॉकेट का चक्कर क्या है भाई, ये तब भी इंपॉर्टेंट था, आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में जब डेविड ने मुझसे इसको लिया था, और ये आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेविड मतलब डेविड को भी यही चाहिए, वैसे तो दे दिया था मैंने, बट वो नकली दिया था, इसको भी यही चाहिए, एंड उसको बस शायद इसके पास लॉकेट है, इसलिए बोला वो ओपन कैसे होगा, ये तो मेरे को भी नहीं पता, सही बताओ तो भाई मेरे को खुद नहीं पता वो ओपन कैसे होगा, क्योंकि ट्रेवर के पापा मुझे बचपन में दे गए थे उसको, ट्रेवर को मतलब, अब क्या पता क्या चीज़ है वो, पता लग जाएगा। मैं इसको फॉलो करूंगा, मैं अभी कुछ नहीं करूंगा। हमारे प्यारे प्यारे स्वीट से बिग माफिया यहाँ से निकल पड़े हैं, तो चलिए फटाफट से जल्दी से इनको फॉलो करते हैं एंड देखते हैं कहाँ जाएंगे, काश ड्रैकुला के पास लेकर के चले जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। वैसे ड्रैकुला का कैरेक्टर मैंने आपको फिर से बोला, आप उसको हल्के मत लेना, उसके बारे में बहुत तगड़े तगड़े सस्पेंस है, फ्यूचर के एपिसोड्स में दिमाग घूम जाएगा आप लोगों का। चलिए फटाफट से निकलता हूँ मैं ज़रा आगे की तरफ, देखते जैसे भी होगा। बस मैंने तो एक बात आपको बता दी है, मेरा आज से एक टारगेट यही रहेगा कि मेरे को अपनी बैग मजबूत करनी है। दरअसल मैं आपको बताया तो मैं इस चीज़ के चक्कर में क्यों लगाऊँ, मैंने एकदम से क्यों आपको रिच लाइफ के बारे में बोला एंड क्यों बोला, अभी तक मैं कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिली है, बस यही मेन वजह है। मेरे को इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है बहुत जल्द, ये एक मेरे अननोन सोर्स ने मेरे को खबर दी है, मतलब बहुत पुराना सोर्स है मेरा, मैंने उसको हमेशा छुपने के लिए बोल के रखे रखा हुआ है, उसी बंदे ने मेरे को बहुत टाइम, मतलब कि कल रात ये खबर दी थी, बहुत टाइम से लगा था इस काम को करने के लिए। उसने बोला ट्रेवर सर इतनी बड़ी मुसीबत आएगी आपकी लाइफ में कि रोटी मतलब खाना खाने के पैसे नहीं भी होंगे आपके पास में, इसलिए मैं आपको बताता हूँ आप सारी चीज़ें ऐसे ऐसे करिए। तो आप समझ गए मैं एकदम से अपनी रिच लाइफ के ऊपर क्यों एकदम फोकस कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा ना हो जैसा वो बंदा बोल रहा है। इससे मेरे को एक बात तो समझ में आई कि बहुत बड़ा प्लान चल रहा है ट्रेवर के साथ में, जो शायद से ट्रेवर नहीं समझ सकता, बट मैंने आपको फिर से बोला अब की बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा जैसे पहले मेरे साथ हो जाया करता था, अब की बार मैं उल्टा खेल बंदों के साथ चल दूंगा। ये चल क्यों नहीं रहा भाई, खड़ा हो गया एक जगह पे। पहुंच चुका हूं भाई मैं जगह पर, तो फिलहाल मैं उस बंदे को फॉलो करते करते यहां पर आ चुका हूं, तो यहां पर कुछ कार्स तो खड़ी हुई है,
बिग माफिया भी खड़ा हुआ है यहाँ पर शायद से, एंड एक और है, एंड इन कपड़ों को मैं कभी भूल नहीं सकता। एक सेकेंड बिग माफिया, देख तेरे और मेरे बीच की बात है, ये काम बिल्कुल मत कर देना नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। देख फिलहाल बदतमीजी नहीं भाई, लेक्सियो को पता नहीं कब उठा लिया इन बंदों ने। देख ठीक है मैं वेपन डाउन कर देता हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहे वाला, बट तू दोस्त है अपना, प्यार से बातें कर लेते हैं, गोली नहीं चलनी चाहिए अपने बंदों को, बोल गन डाउन करे। देखो रिस्क नहीं लूंगा भाई, क्या बंदे ने गोली चला दी एंड मैंने चाहता लेक्सियो गोली लग जाए। बिग माफिया देख तू अपना दोस्त था यार, कुछ दिन तक तो कुछ महीने पहले मेरे को बड़ा दुख होता तू चला गया था, सच्ची में दिल से बुरा लगा था मेरे को, एंड तू एकदम से दोस्ती में गद्दारी करने आया है। देख बिग माफिया ऐसा नहीं यार भाई, ऐसा मत करना, ये तेरे हाथ से क्या हुआ है, नमूने हाथ है क्या, ये क्या बना कर रखा है तूने इसको, क्या ट्रेन ट्रैक या किसी ट्रक के नीचे लगा देता है इसको, जो इसको बिल्कुल फ्लैट करके चलाया कोई बंदा। अबे हद यार तेरे हाथ का लेवल लेवल है। लेक्सी तो चिंता मत कर, वैसे चिंता कर ही नहीं रही है, उसको पूरा पक्का भरोसा ड्राइवर कुछ होने नहीं देगा। बिग माफिया ब्रो कुछ नहीं होना चाहिए, बोल तेरे को चाहिए क्या। बिग माफिया तो एक ही चीज पे आके अटक गया है, मुझे बोलता है ड्राइवर कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक ही चीज जाननी है, तेरे पापा का लॉकेट कैसे ओपन होगा, तेरे पास एक दिन का टाइम है, मैं फिलहाल कुछ नहीं बोल रहा तेरी वाइफ को, इसको तो मैंने इसलिए उठवाया क्योंकि तू मेरे को फॉलो कर रहा था, आगे से गलती नहीं होनी चाहिए, मेरे को फॉलो मत करना नहीं तो इसको अगली बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फिलहाल तो इसको यहाँ से ले जा, एंड एक दिन का टाइम है तेरे पास में, अगर तूने लॉकेट ओपन करके नहीं दिया तो फिर देखना तो क्या होगा। मैंने बोला तेरे को मैं देख लूंगा, फिलहाल चलिए भाई अभी मजबूरी है, मन तो ऐसा करना दो मिनट में इनको पीट के यहाँ से ले जाऊँ, बट लेक्सी के लिए मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि रिस्क नहीं लेना, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ऑलरेडी हमारा नया डॉगी मारा जा चुका है, मैंने छत ट्रेवर के ये नई वाइफ भी मारी जाए, बहुत दिक्कत होगी। बिग माफिया एंड उसके बंदे फिलहाल गाड़ी में बैठ करके जा चुके हैं, मैं लेक्सी को बोला आ चल मैं तेरे को ड्रॉप कर देता हूँ घर पर, फिलहाल यार ये लेक्सी को पता नहीं कहाँ से बंदे ने उठा लिया, चले कोई बात नहीं यार शायद से घर से बाहर होगी। देखो अभी मैं इसको ज़्यादा नहीं परेशान करता कि सिर्फ तेरे को बंकर में रहना है या फैसिलिटी में रहना है, आगे यहाँ वहाँ पर तो नहीं बैठ सकती मतलब रह सकती, अब मैं इसको ज़्यादा परेशान नहीं करता भाई क्योंकि इसकी भी लाइफ है, तो इसलिए मैंने अभी इसको काफ़ी टाइम से छोड़ के रखा है ऐसी बाहर की तरफ कि इसकी जहाँ मर्जी है वहाँ पर जा सकती है वगैरह वगैरह, तो ये वाली बात है सारी सारी। तो फिलहाल ना भाई लगता है, बट मेरे को लगता है इसको फिर से किसी सेफ बंकर में डालना पड़ेगा काफ़ी टाइम के लिए, बट मैं भी नहीं चाहता यार कि ये इसको जेल की तरह ज़िंदगी बितानी पड़े, अब मेरे दुश्मन इतने आते हैं बार बार बड़ी दिक्कत होती है। मेरे पास फ़ोन आया है भाई, अभी मैं घर पर पहुँच चुका था, मैंने लेक्सी को ड्रॉप कर दिया घर पर, तो फिलहाल ना अभी मैं निकलता हूँ जगह पर। माइकल बोल रहा है कि यार कुछ लॉस्ट वाले बंदे शायद से ड्रैगुला के लिए एक जगह पर बहुत ईमानदारी से काम करने में लग रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं बहुत तगड़े तरीके से उस एरिया पे। मैंने बोला क्यों भाई क्या मिलेगा वहाँ पर उस जगह पे, ये बोल रहा है मुझे नहीं पता, बस तू जा करके चेक कर। ठीक है भाई मेरे गार्ड्स आ रहे हैं पीछे की तरफ फॉलो करते करते, अब मैंने आपको फिर से बोला मेरी स्पीड इतनी तेज़ है भाई, मैं इतनी तेज़ भागता हूँ गार्ड्स में कितने भी साथ में रख लूँ मुझे पकड़ ही नहीं पाते बेचारे, तभी तो गार्ड्स होने ना होने का फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि यार देखो ये चलते हैं 30-40-50-60 की स्पीड पे, इससे ज़्यादा इनकी स्पीड होती नहीं है, तो मैं मतलब ये मैं इनके साथ कभी घूमने लायक हो नहीं पाऊंगा। अब मान लो मैं 30 की स्पीड पर गाड़ी ऐसे चलाऊंगा ना तो आप लोग हो जाओगे बहुत अच्छे से बोर, क्योंकि ये इतने तेज़ भागते नहीं है, और मैं आपको बता 300 से कम गाड़ी चलाता नहीं, 250-300 चलानी पड़ती है, मज़ा तभी आता है, तो इसलिए ये हमारे प्यारे भाई से मेरे को पकड़ नहीं पाते, आर्मी मेरी पीछे रह जाती है। तो फिलहाल चलिए फटाफट से अब मैं जगह पर पहुँचता हूँ, उस जगह पर वहाँ पर मेरी आर्मी आ जाएगी थोड़ी देर में, तब तक मैं पहुँचता हूँ, लेट नहीं करेंगे क्योंकि क्या पता लॉस्ट वाले बंदे फिर से धोखा दे रहे हो मेरे को, वो तो पता लग जाएगा। ड्राइवर जल्दी निकल ब्रो, पहुंच चुका हूँ मैं जगह पर, सही बोला था माइकल ने भाई, लॉस्ट वाले बंदे यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ड्राइवर ब्रो जरा बाइनोकुलर निकाल, आप देख रहे हो हर एक बंदा यहाँ पर ड्रिल करने में लगा हुआ है, आखिर क्यों क्या वजह है भाई। देखो जो भी है मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि जब से मेरे पास फ़ोन किया ना कल रात से उस बंदे ने, तब से मैं बड़ा टेंशन में आ गया, क्योंकि उसके हिसाब से उसने बोला था ड्राइवर सर बस सावधान रहिएगा क्योंकि आप जानते नहीं हो आपके साथ क्या क्या चीज़ें चल रही है। मैंने बोला तो चिंता मत कर तेरा ड्राइवर कमज़ोर नहीं है, ड्राइवर अब ऐसा काम करेगा इतना अमीर हो जाएगा और इतने सारे काम कर लेगा, अमीर तो मैं अभी भी हूँ बट मेरे को ऐसा घुमाना है कि अगर कोई बंदा पैसे छीनना भी चाहे तो छीन नहीं पाएगा, वो तो पता लग जाएगा इन फ्यूचर में, चलो देखते जैसे होगा। बट मैं सोच रहा हूँ भाई इनको ख़त्म करते रिस्क लेते, मेरी आर्मी फटाफट से एक काम करो इन बंदों को ख़त्म करना शुरू करो। ओके वहाँ तक रेंज ही नहीं है भाई, बंदे को पता नहीं चला मैंने मिनीगन चला दी है, ये मेरी आर्मी करना क्या चाहती है, ये हेलीकॉप्टर वाले बंदे कभी कभी सस्ते नशे मार लेते हैं। ये ले बेटे आया मजा, अरे भाई इनको पता ही नहीं चल पा रहा मैं काफ़ी दूर हूँ ना, अब पता लगा इसको, ये ले बेटे आया मजा, चलिए थोड़ा आगे निकलना पड़ेगा मेरे को रेंज में जाना पड़ेगा, तभी मेरे हेलीकॉप्टर वाले बंदे को पता लगेगा अटैक वहाँ से हो रहा है। चलो 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 बहुत बढ़िया, ओके फाइनली चलिए, अब मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना, मेरी आर्मी सब कुछ संभाल लेगी, ये ले चाचा आया मजा। वैसे आर्मी रखने के फायदे होते हैं भाई, देख रहे हो दो चार बंदे मारने पड़ेंगे मेरे को, फिर बाकी बंदे मेरे को टच भी करने की जरूरत ही नहीं है। ये ले बैठे बहुत बढ़िया, अबे नमूने मुझे मारने के पैसे लेके रखे क्या तूने, देख के अटैक कर कब अपने ड्राइवर के ऊपर गोली मारेगा,
तो फिलहाल चलिए भाई ये भी हो चुका है एंड परफेक्ट, ठीक है थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद फिर पूछताछ करेंगे इन बंदों से, देखते हैं कि आखिर कौन सा बंदा है वगैरह वगैरह क्या कर रहे थे, पता लग जाएगा। सारे बंदे लॉस्ट वाले लगभग खत्म हो चुके हैं, एक बंदा लॉस्ट वाला मेरा प्यारा भाई पीछे छुप के रखा हुआ था, डर के बहुत ज़्यादा, मैंने बोला भाई बता दे क्या ड्रामा चल रहा था। तो बंदे ने बोला ड्राइवर सर यहाँ पर एक चीज़ निकलने वाली है, मुझे इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि आपके पापा का पुराना लॉकेट है बहुत ज़्यादा पुराना, उसको ओपन करने का यहाँ पे कोई राज छुप करके रखा है, इस एरिया में वो चीज़ दब के रखे जिससे हमें ये पता लगेगा कि लॉकेट को ओपन कैसे करना है। बस सिर्फ हमने यही काम करा है, देखो ड्राइवर सर हमें कुछ तो काम करना ही पड़ेगा खाना खाने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये लोग यहाँ पर ड्राइवर लगे लगे खुदाई कर रहे थे ताकि यहाँ पर ड्राइवर के पापा के लॉकेट के राज जान सके। भाई मैं सच बता रहा हूँ ये लॉकेट ना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत टाइम पहले से ही बंदे इससे कुछ करना चाहते हैं, मेरे को ना इस लॉकेट का मैटर को सीरियस लेना पड़ेगा। पर अच्छी बात क्या है भाई असली लॉकेट मेरे पास है आपको पता ही है, नकली लॉकेट है हर एक बंदे के पास जिसके पास भी हुआ, लॉकेट एक ही था सिर्फ कॉपी जो मैंने डेविड को दी थी, वो लॉकेट ड्रैकुला एंड बिग माफिया के पास कैसे गया। सीधी सी बात है दोनों एक साथ है, सारे सारे बंदे एक साथ है भाई, इसका मतलब लेस्टर का फोन आया है भाई। चलिए नखरी वाली भैंस का भी थोड़ा नखरा उतर चुका है, नहीं तो आपको बताइए लेस्टर नाम का बकरा नखरा कर रहा था भाई सुबह से, तो फिलहाल चलिए उसका सारा नखरा ढीला हो चुका है। मुझे फ़ोन करके बोलता है कि तुझसे डेविड मिलना चाह रहा है, इशारे कर रहा है कैमरा से जल्दी जा करके उससे मिल ले। चलिए मिल लेता हूँ डेविड से भी, वैसे कुछ काम तो आता नहीं है मेरे पास, मतलब कुछ भी वो काम मेरा करता नहीं है, फिर भी पहुँचता हूँ, चलिए देखते क्या बता क्या बताए क्या बताए कुछ पता ही लग जाए अच्छी बात है। पहुँचता हूँ डेविड भैया के पास, पहुँच चुका हूँ। डेविड भैया जी कैसे हो? इस बंदे को मेरे को भरोसा नहीं है, नहीं तो मैं अब तक इसको बाहर भी निकाल लेता भाई एक बार को, बट मेरे को इसके ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं होता इसलिए मैं इसको बाहर निकालना नहीं सोचता, क्योंकि क्या पता ये नमूना क्या कर दे मेरे साथ में। हेलो डेविड भाई, क्यों शोर मचा रहा था तू, क्यों कैमरा की तरफ बोल रहा था बार बार मेरे को ड्राइवर से मिलना है, क्या हो गया? फिलहाल मैंने इससे बातें कर ली है, मुझे बोलता है ड्राइवर यार एक छोटा सा फेवर चाहिए, दरअसल मेरा बेटा लॉस सैंटोस में आ रहा है, एक बेटा मेरा, फिलहाल मेरे को याद है आज की डेट ही वो आने वाला था, मेरे को पूरा का पूरा कैलेंडर याद है, मेरे पास जितने भी दिन हो गए मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, बट मेरे को दिन याद है, मैं एक एक दिन गिनता हूँ कब से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। आज ही वो डेट है जिस दिन मेरा बेटा लॉस सैंटोस आएगा, इसको पहले से ही पता होगा अपने बेटे की प्लानिंग, आज की डेट में शायद से कोई मीटिंग होगी इसकी इसके बेटे के साथ में या कुछ भी जो काम होगा, ये बोल रहा है कि आज की डेट में उसको आना है लॉस सैंटोस, तो ये बोल रहा है कि तुम उसकी सिक्योरिटी करोगे क्योंकि मुझे पक्का पता है ड्रैकुला उसको जान से मार देगा। चलिए भाई देखता हूँ कौन है इसका बेटा, मैंने बोल दिया ठीक है चल मैं टेंशन मतलब मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तो मतलब कि डेविड का बेटा आ जा रहा है, ये मीटिंग आज से नहीं दो तीन महीने पहले से फिक्स करके रखी गई थी, इसलिए डेविड को पता है, इसको पता ही है कि दिन ये गिन रहा है तो उसको डेट याद आज क्या डेट है, तो इसीलिए इसने मेरे को बोला कि आज वही डेट है जब मेरा बेटा मीटिंग पर आएगा, बस तुम उसको बचा लेना। चलिए भाई कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या होगा, कौन है डेविड का बेटा, जो भी हो मैं देख लूँगा। मैं बाहर की तरफ आ चुका हूँ एंड फिलहाल भाई देखो मैं अभी डेविड के बेटे को लेकर मतलब कि लेने के लिए नहीं जाने वाला, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक और काम आ गया आपको मैंने बोल ही दिया, अभी मेरा मेन फोकस है एक ही चीज़ पर जो कि मेरे को बेस कब जाना है पूरा पूरा, इसी एपिसोड में पूरी कोशिश करूँगा भाई इसी एपिसोड में बेस मेरा हो जाए, क्योंकि मेरे को अपनी आर्मी के लिए घर ढूंढना है एंड आपको मैंने बोल दिया मेरे को अपने आप को इतना स्टेबल करना है कि मेरे को किसी भी गैंग की और माफी की जरूरत ना पड़े, बात ही खत्म है। मैंने एक नया ब्रांड सोचा है भाई ड्राइवर के नाम पर, मैं सोच रहा हूँ KGF को भी यूज़ ना करें हम लोग, क्योंकि KGF भी मेरी नहीं थी मुकेम्बो की थी, मैं सोच रहा हूँ ड्राइवर की खुद की एक नई गैंग हो जिससे ड्राइवर की अलग ही पहचान बने, मैंने एक ब्रांड सोचा है ड्राइवर का नाम का बनाना, अलग ही मज़ा आएगा भाई उस चीज़ को करने में, क्योंकि जो खुद की होती है ना उसको कोई छीन नहीं सकता, दूसरी गैंग को हर बार बंदा छीनने की कोशिश करता है, बट मेरी खुद की अगर गैंग पावरफुल होगी तो उसको कोई कभी छीन नहीं पाएगा, तो इसलिए अगर कोई भी दिमाग में आपका अच्छा सा नाम हो तो बताना, बट मैंने सोचा है मैं इसका नाम ट्रेवर के नाम पर ही रखूँगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई, ट्रेवर गैंग कुछ ऐसे ही करके रखेंगे क्योंकि देखो ट्रेवर को फेमस करना है, इसलिए मैंने ट्रेवर के नाम पर ही गैंग का नाम सोचा है, बट कुछ अगर और हो तो बताना, बट मेरा आइडिया बिल्कुल ठीक है, हमें ट्रेवर के नाम से गैंग को नया बनाना चाहिए जिससे हमारी एक अलग गैंग बन सके दुनिया में, दूसरों गैंग के बॉस बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो हमेशा दूसरे की ही कहलाई जाएगी कि किंग डेविड की गैंग है जिसको ट्रेवर आज चला रहा है, ये नहीं बोला कि वो मेरी गैंग है, इसलिए मेरे को खुद से अपनी गैंग एक बनानी पड़ेगी ताकि पूरी दुनिया में वो गैंग को मैं फेमस कर सकूँ, ये काम करेंगे। चलिए फिलहाल वो फ्यूचर एपिसोड में आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगी सारी चीज़ें, बट मैंने आपको थोड़ा बता दिया अपना आइडिया कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ, उसको देखने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक जब नई गैंग बनेगी बिल्कुल जीरो से अमेजिंग करके तो बहुत तगड़ी बनेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि पैसा पावर हमारे पास है जल्दी बन जाएगी। जगह पर पहुंच चुका हूं भाई, तो फिलहाल मैंने आपको सारी बातें बताई दी है, माइकल पहुंच जाएगा डेविड के बेटे को लेने के लिए थोड़ी देर में एयरपोर्ट पे, उसको रिसीव करने के लिए मैं पहुंच चुका हूं अपने कुछ बंदे के पास बेस की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, क्योंकि मेरे को पता करना है जल्दी बेस वो कहां पर है, फिर उसके ऊपर कब्जा करने के लिए निकलते हैं अपनी पूरी आर्मी को लेकर के, मजा आएगा उड़ा के रख दूंगा ड्रैकुला के हर एक बंदे को। हेलो मेरे भाइयों, अच्छा बताओ कहां पर है वो जगह जहां पर अभी हम लोगों को
मिलेगा ड्रैकुला का वो 30 साल पुराने वाला बेस जहां पर वो रहता है, मजा आएगा। अच्छा बोलो, बंदे से बातें कर लिए, बंदे बोल रहे ट्रेवर सर हमने इन्फॉर्मेशन निकाल लिया, ऑलरेडी हमने आर्मी को अलर्ट भी कर दिया है, हमारी प्राइवेट आर्मी वहां पर पहुंच चुकी है अटैक करने के लिए बंदों के पास, आप भी पहुंचे ज्वाइन करिए उस जगह पे जाकर के फटाफट से खत्म कीजिए सही बंदों को, एंड उसके बाद में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कहाँ पर वो बेस है। मैंने बोला थैंक यू, तो चलिए ठीक है भाई फटाफट से जल्दी से जगह पर निकलता हूँ क्योंकि अभी हमें लोगों को लोकेशन मिलने वाली है ड्रैकुला के प्यारे से बेस की। दोनों काम हो जाएंगे मेरे, वही मतलब बेस भी मिलेगा एंड ड्रैकुला की अकड़ वो बहुत है भाई, उसमें इतनी अकड़ है बंदे में, इतनी अकड़ है वो तो कम करनी ही पड़ेगी ना। अपने आप को इतना बड़ा नेता समझता है कि ट्रेवर को सीरो समझता है, वो समझता है कि ट्रेवर को जब चाहो तब मैं अपना गुलाम बना लूँ, यह उसकी गलत फहमी है। निकलता हूँ, पहुँच चुके भाई हम लोग जगह पर, मेरी आर्मी पहुँच चुके साथ में, मजा आएगा। खत्म करो नमूनों को, किसने अटैक किया था वैसे, ये वही है नहीं है फिलहाल वैसे तो आगे इन्फॉर्मेशन, बट आपको बताइए मेरी हेल्प के लिए पुलिस एंड आर्मी पहुँच चुकी है, इतना मारेगी बंदों को इतना मारेगी। और फिलहाल ना जो पार्टी के बंदे जिनको मारने आए ना उनमें भी कुछ बंदे पुलिस वाले बंदे बन के बैठे हुए और कुछ आर्मी वाले बंदे नकली बंदे भाई, ताकि कोई शक ना कर सके। बढ़िया बात है, ड्रैकुला भी सीख के लो सेंटर में रह करके सारे तरीके। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, खत्म करो खत्म करो, जाओ जाओ अंदर जाओ, जल्दी से मारो जा करके, मेरी आर्मी सब कुछ संभाल लेगी। बस मेरे को भाई मुश्किल से 3 या 4 मिनट लगने वाली है, मेरी हेलीकॉप्टर वाली आर्मी को आने दो, 2 मिनट में ये भी सबको सुला डालेगी। मैंने नए बंदे अपॉइंट करवाए आज का, थोड़ा अच्छे से काम ये कर लेते हैं, तो जल्दी सबको खत्म करेंगे। चलो 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 अंदर निकलो, मैं सोच रहा हूँ मैं ना मारूँ यार, मैं ना थकूँ, आर्मी कब काम आएगी, आर्मी को काम में लाने दो। हेलो जी मेरे प्यारे भाइयों, आराम से काम लो, अरे कुछ बंदे मेरे भी हैं, इनको मत मारना, देख के काम करो। चलिए फटाफट से आर्मी सबको सीधा करेंगे, मैं भी थोड़ा सा हेले बैठे, अरे यार मुझे तो मार रहे थे भाई, ये सारे बंदे तुम ही मारोगे, हेले बैठे आया मत। अच्छा अच्छा जी आप भी लीजिए, टकला फुटवा लीजिए, सो सॉरी ब्रो, बट क्या करें मजबूरी है, मेरे को इन्फॉर्मेशन निकालनी है इस वक्त ड्रैकुला के उस बेस के बारे में, मेरे को भिखारी बनाने का प्लान है ना सबका, इनका बताएगा ड्राइवर का ब्रांड ऐसा बनेगा, ऐसी आर्मी बनाऊंगा, ऐसी आर्मी बनाऊंगा, गैंगस्टर डिसिप्लिन भी बड़ी छोटी रह जाएगी क्योंकि मेरे पास पैसा इस टाइम इतना ज़्यादा है कि मैं रातों रात नई आर्मी खड़ी कर सकता हूँ। आपको पता ही है पैसा बहुत है भाई, और पैसा होता है तो सब कुछ हो जाता है रातों रात। बहुत अच्छी ब्रांड बनाऊंगा मैं इस वक्त में क्योंकि मैंने सोच के रखा ऑलरेडी, माइकल का बहुत बड़ा बिजनेस शुरू होने वाला है जल्दी, फ्रैंकलिन तो काम कर ही रहा है, लेस्टर को मैंने बोल दिया डायपर की फैक्ट्री खुलवाएंगे, लेस्टर को तो डायपर बेचेगा सुबह शाम बैठ के, दो के तीन ऐसे करके बेचेगा बेचारा, मतलब कि $2 के 3 डायपर सस्ते ही बेचेगा बेचारा। तो चलिए भाई अभी जैसा भी आगे निकलते हैं, वैसे लेस्टर को अगर ये बात सुन गई ना और लेस्टर को पता लग गया ट्रेवर ऐसा सोचता है मेरे बारे में, भाई साहब ऐसे से गाली देगा मेरे को। आपको बताइए वैसे ही मेरे घर में सांप छोड़ने की बात बोलता रहता है, मेरे बच्चों को गज्जा करने की बात बोलता रहता है, बोलता है तेरे 1000 बच्चे हो जाए और तू खिलाते खिलाते उनको मर जाए गरीब होकर के, इतना खाना खाए वो, मतलब वो सुधरेगा नहीं भाई कभी भी। अबे क्या परेशानी है, गाड़ी में बैठना है तुम्हें, निकल जाओ यहाँ से चुपचाप। मैंने फिलहाल यहाँ पर एक बंदे को उठवाया, बांध भी दिया, बहुत करंट लगाया बंदे को, तब जाकर के मेरे को सारी बातें बता दी। फाइनली जगह मिल गई है, 2 जगहें हैं ड्रैकुला की इस वक्त जहाँ पर उसके मेन बेस है, जहाँ पर वो रहता है, वहीं पर जा करके उड़ा डालूंगा मैं उसको, अमेजिंग मजा आएगा। देख भाई सो सॉरी बट तेरे को जिंदा छोड़ नहीं सकते, तुझे छोड़ा तो रिस्क होगा बहुत बड़ा, समझ में आया ना, तो इसलिए मेरे प्यारे भाई जरा सो सॉरी एंड सो सॉरी, गाड़ी लेता हूँ एंड निकलता हूँ यहाँ पे, सारा काम मैंने भाई कर दिया है, इन्फॉर्मेशन मिल गई है। चलिए थोड़ी देर में निकलते कब्जा करने के लिए, बट अभी माइकल के घर पर जाना है क्योंकि माइकल का फोन आया है, बोल रहा है कि ट्रेवर से डेविड का बेटा मिलना चाहता है, वो बोल रहा है कि ट्रेवर भाई कहाँ पर है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैंने बोला मैं तो आज तक कभी मिला भी नहीं उससे, फिर मेरे बारे में क्यों जान रहा है वो, वो बोल रहा है कि ट्रेवर तेरे से मिल चुका है, बोल रहा है तू तेरे से दोबारा मिलना चाहता है। मैंने बोला ठीक है आ रहा हूँ, पता नहीं भाई कौन सा बंदा आ गया डेविड का, चलिए निकलता हूँ जा करके। पहुँच चुका हूँ मैं मेरे प्यारे माइकल भाई के घर पर, ओके तो फिलहाल ओके भाई, माइकल ने तो अमेजिंग गार्ड्स लगा के रखता है, अब तो गाड़ियाँ ही बहुत ज़्यादा है, देख रहे हो आप लोग, माइकल जब से प्रेजिडेंट बनाया ना और ऊपर से भी तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाऊंगा मैं इसको, दुनिया के top 10 में या top 5 में माइकल का नाम ज़रूर देखने को मिलेगा आपको, वर्ल्ड में मज़ा आ जाएगा, इतना बड़ा बिजनेसमैन बनाऊंगा, इतना बड़ा इसको बनाऊंगा के top 5 में माइकल का नाम गिना जाएगा। और भाई आराम से ड्यूटी करो आराम से, इन्हें तो सीधा कर दूंगा, मेरी हेलीकॉप्टर की आर्मी काफ़ी पीछे रह गई आ रही है थोड़ी देर में, तो पीछे की तरफ ही शायद से हमारा प्यारा प्यारा भाई ओके है। एक सेकंड यार, अरे भाई साहब ये मर गया था यार, ये मर गया था, ये वो ही है ना, अरे यार ये बंदा मर गया था एंड ये इसको मैं सोचता था ये मेरा भाई है पहले, मतलब वही ट्रेवल का तीसरा भाई, इसका मर गया था, मतलब ये मरा था, इसका फ्यूनरल मैंने किया था, प्राउड माफिया के बंदों ने इसका मरवा दिया था, और ये अब यहाँ पर कैसे। हेलो भाई क्या हाल चाल है, मैंने इससे बातें कर लिया, बोल रहा है कि ट्रेवर सर सो सॉरी लास्ट टाइम हमसे थोड़ी बातें छुपाई थी, दरअसल मेरे पापा डेविड है एंड मैं लॉस सैंटोस में पहले भी आया था, बट मेरे पापा ने मुझे भेज दिया था किसी तरीके से, आपने पिछली बार जिस बंदे को देखा था ना
वो मेरा कॉपी था, क्योंकि मेरे पापा को पता लग गया था मेरे को कोई मारने वाला है, इसलिए मेरे पापा ने मेरी कॉपी वहाँ पर बना दी थी, पहले भेज दिया था नकली बंदे को और मेरे को सेफली रात रात लॉस एंजेलोस से निकलवा दिया था। बट थैंक यू, आप बहुत अच्छे दोस्त मिले थे मेरे को पहले भी, एंड इसीलिए आप बहुत अच्छे बंदे हो। दरअसल मैं यहाँ पर एक मीटिंग करने आया और मीटिंग करके जल्द ही निकल जाऊँगा, तो चलिए भाई इसकी सिक्योरिटी तो करनी पड़ेगी। यार ये बंदा अच्छा है, देखो मानता हूँ ये ड्राइवर का भाई हो ना हो, अभी मेरे को कन्फर्म कुछ नहीं है, क्या पता कौन ड्राइवर का भाई निकल जाए, वो तो फ्यूचर ही पता लगेगा, मतलब फ्यूचर में पता लगेगा। बट ये बंदा अच्छा था, अपने पापा से काफ़ी अलग है, और अच्छी बात की बात ये है मेरे को खुशी है बंदा जिंदा है, तो लास्ट टाइम जो मरा था वो ये नहीं था। चलिए बढ़िया भाई, अबे तेरा तो मैंने फ्यूनरल भी करवा दिया नमूने, बता दो देता तू बच गया जिंदा है। मतलब बोल रहा है ट्रेवर से ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बिजनेस को लेकर ही काम करना है, और वैसे भी आपको बताइए अब तो आप ही बॉस हो, जब मीटिंग कन्फर्म हो जाएगी ना, बिजनेस डील हो जाएगी सारी सारी, तो आपको साइन करने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि आप ही साइन करोगे, अब पूरी गैंग्स ऑफ डिसिप्लिन आपके नीचे चलती है। मैंने बोला तो चिंता मत कर, जैसे तेरे डील फाइनल हो जाएगी तो मेरे को फोन करके बता देना, मैं साइन करने के लिए आ जाऊंगा। यहाँ पर भाई एक बिजनेस के लिए डील करने के लिए आया, जो गैंग्स ऑफ डिसिप्लिन के फायदा है उसके लिए काम आया है, वो तो मेरे को पता ही था, डेविड ने मेरे को पहले ही बोला था। चलिए बात अच्छी है, कह यार ये जिंदा है हमें ऐसे, ये तो अच्छा बंदा है, ये कोई खूखार बंदा नहीं है, बहुत बढ़िया बंदा है, इसके साथ मैं पहले भी रह चुका, आपको याद ही होगा ये बंदा। पहले तो ये पता लगा था कि भाई ये प्राउड माफे का बोस का बेटा है फिलहाल, उसके बाद फिर ये पता लगता है डेविड का बेटा है, एंड उसके बाद ये मर भी जाता है, तो डेविड का ही प्लान था। कह रहे डेविड आपको पता है बहुत तगड़ा प्लान बनाने वाला बंदा है, इतना बड़ा बदमाश है तो अपने बेटे को तो बचा ही सकता है, तभी मेरे को समझ जाना चाहिए था। तो ठीक है चलिए, अभी मेरे को जल्दी से निकलना है एक और जगह पर, क्योंकि ये काम भी जरूरी है एंड वो काम भी जरूरी है। पहुंच चुका हूँ मैं माफिया वाली चर्च पर बिग माफिया से मिलने के लिए, तब उन्होंने यहीं पर बुलाया, कोई जाल तो नहीं होगा देखो अब की बार, क्योंकि अब की बार इन्होंने मेरे को छोड़ के रखा है। भाई भाई साहब आपने एक बात नोट करी, ये बंदा ठंडा हो गया है बिल्कुल, ड्रैकुला ने आज बिल्कुल भी अटैक नहीं किया मेरे ऊपर, एक बार भी फ़ोन नहीं किया ना कुछ किया, आज धमकी नहीं दी वगैरह वगैरह सारे काम कुछ नहीं किया आज उस नमूने ने, इतना शांत, सारे काम बिग माफिया के ऊपर छोड़ दिया क्या, कि बस बिग माफिया मेरे ऊपर सारे काम करेगा, मेरे से सारी इन्फॉर्मेशन लेगा। आज तो ड्रैकुला आ ही नहीं रहा भाई बिल्कुल भी, वैसे अभी तक वो रियल में एक बार ही मेरे सामने नहीं आया, पिछली बार भी जितनी बार भी मेरे सामने आया था लास्ट एपिसोड में उसने मेरे को हिप्नोटाइज किया था और तब मेरे साथ मतलब सामने आया था मेरे सपनों में, रियल में मैंने अभी तक मतलब बातें उससे नहीं करी। हेलो भैया बिग माफिया, फ्रॉड बन गए हो क्या, हालचाल क्यों बुलाया दोबारा से, बंदा बोल रहा है ड्राइवर कुछ ही घंटे और मिले तेरे को, ड्रैकुला बड़ा नाराज़ है, चुपचाप बता दे लॉकेट कैसे ओपन होगा। मैंने बोला भाई मैं पता कर रहा हूँ, मेरे को पता लग जाए तो मैं बता दूंगा, लॉकेट के लिए यहाँ पर आया है। चलिए खैर कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपको पता है मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मेरे को पता था मेरे को यहाँ पर एक ही बात बोलेगा, मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि बराबर टाइम वेस्ट करूँगा। दरअसल मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि इसी गाड़ी पर GPS लगा सको, अब ये यहाँ से बाहर निकल करके जाएगा, मेरे बंदे ने बाहर इसी गाड़ी में GPS लगा दिया होगा, अब मुझे पता लगता रहेगा ये नमूना कहाँ कहाँ जाएगा, अब आएगा मज़ा। एक बार मेरे को इसकी लोकेशन मिल जाएगी लास्ट वाली, इसको तोड़ूंगा फिर वहीं पे जा करके बाद में तसल्ली से। फिलहाल मैं चर्च से बाहर आ चुका हूँ, अभी आप लोग सोच ही रहे होंगे कि चर्च से मैंने मतलब कि बाहर आया मैं उसको मार सकता था, वो अकेला था, मैं ये काम अभी नहीं करूँगा, पता क्यों, क्योंकि क्या पता यही बंदा मेरे को रियल वाले ड्रैकुला तक ले जाए, इतनी बार भी ड्रैकुला मिला है सपने में, क्या पता कोई असली वाला बेस ऐसा बेस अभी भी हो जिसके बारे में पता ना हो एंड ये मेरे को वहीं पर ले जाए। GPS लगाने के बड़े फायदे होते हैं, फिलहाल GPS काम करना शुरू कर दिया है, अब देखते हैं बिग माफिया कहाँ कहाँ पर जाएगा एंड फिर उन्हीं जगहों पर जाकर के तसल्ली से रेड मारूंगा एंड ड्रैकुला को पकड़ लेंगे, मतलब पकड़ लेंगे, ये बेस्ट तरीका भाई, नहीं तो इसको पीटना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, दो डंडे मारूंगा तो खत्म हो जाएगा। निकलता हूँ जगह पर जल्दी से, कुछ बंदों को इसके पीछे लगाना है पहुंच करके। पहुंच चुका हूँ मैं जगह पर कुछ बंदों के पास में, देखो भाई यहाँ पर मैंने बंदों को बहुत सारा पैसा खिला दिया है और सारी चीज़ें, तो ये बंदे मेरे लिए आराम से काम करेंगे। आप देख रहे हो ये कुछ प्राइवेट बंदे हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी वाले बंदे, ये बंदों को फॉलो करने बहुत एक्सपर्ट है मेरे को बताया गया था, इसलिए मैंने इनके पास सोना और पैसा भिजवा दिया भर भर के। तो मेरे भाइयों तुम्हारे हिसाब से तुम लोगों ने जितना पैसा मांगा था सब पहुंचा दिया मैंने, अब फटाफट से फॉलो करो एंड जल्दी से चेक करो बिग माफिया कहां कहां पर जाएगा, और हाँ उसको शक नहीं होना चाहिए, समझ में आया ना, अगर उसको शक हो गया तो दिक्कत होगी भाई, शक वैसे होगा भी नहीं, ये बंदे देखो मैरी वेदर वाले बन के रखे हुए हैं, पीछे कुछ बंदे आरी वाले बन के रखे हुए हैं, तो कोई भी शक नहीं करेगा कि ये बंदे मेरे हैं, आराम से काम हो जाएगा। ठीक है तुम लोग निकलो और जो भी इन्फॉर्मेशन निकले बताना। फोन आया भाई माइकल का, जल्दी से घर पर निकलना पड़ेगा, घर पर अटैक हो गया लगता है, शायद ड्रैकुला ने किया होगा, पक्का तो नहीं बोलूंगा, बट भाई अपने घर पर अटैक हो गया माइकल के, किंग डेविड के बेटे के ऊपर, ये ड्रैकुला नाम का मतलब बंदा इसने परेशान कर दिया। मैंने सोचा था इसने कुछ नहीं कह रहा, कुछ शांत हो गया, कुछ सोच रहा होगा, प्लानिंग कर रहा होगा, बट ये नमूना इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद से सच्ची में आज मेरे ऊपर इसका फोकस इतना नहीं है, आज शायद इसका फोकस है किंग डेविड के बेटे के ऊपर, तभी मेरे ऊपर एक बार भी अटैक नहीं हुआ। जैसे किंग डेविड का बेटा शहर में आया उसको पता लग गया एकदम, अब उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया भाई उसने शायद से,
सही बोला था इसका तो डेविड ने, कि उसको मार देगा ड्रैकुला, बचा ले ड्राइवर तो जल्दी से उसको मैं मरने दूंगा, बंदा बहुत अच्छा है भाई। वो पहुंच चुका हूँ माइकल के घर पर, पता नहीं भाई कितना ज्यादा बड़ा अटैक हो रहा होगा, कितना नहीं हो रहा होगा पक्का नहीं बोल सकता, बट फिर को जल्दी घर पर निकलना पड़ेगा मेरे प्यारे प्यारे भाई माइकल। ओके माइकल के घर के गार्ड्स, एक सेकंड शायद से भाई आसपास के बंदों को मारने में लग रहे होंगे। माइकल ने बोला था मैंने अपने गार्ड्स को यहाँ पे भेज दिया है, माइकल पीछे की तरफ ये बंदे के पास में। हेलो मेरे प्यारे भाई, मैंने अपनी आर्मी लगा दी अभी मारने में जैसे काम चल रहा है। माइकल ब्रो अबे तुम दोनों यहीं पर खड़े हो, जल्दी से काम करो फटाफट से, किसी को मत छोड़ना। माइकल तू चिंता मत करो, निकलो यहाँ से तुम लोग, मत लो। बहुत ज्यादा तगड़ा अटैक चल रहा है, मेरे को गाड़ी में बैठ करके इनको लेकर के निकलना पड़ेगा। मैंने बोल दिया जल्दी से आकर के फटाफट से मेरे को फॉलो करो, क्योंकि घर पर नमूनों ने बहुत बड़ा अटैक करा दिया है, ये दुश्मन पार्टी के ही बंदे हैं सारे के सारे। मेरे प्यारे भाई जरा पकड़ना एंड संभालना, एलियन गन आने वाली है। ये ले बेटे, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, दुश्मन पार्टी के बंदे मजबूत हैं। ये ले बेटे बहुत बढ़िया, वैसे एलियन गन काफी ज्यादा इफेक्ट हो गया है। अरे जल्दी आ जाओ तुम लोग यार, लेट मत करो, जल्दी जल्दी। माइकल कहाँ पर है? माइकल को छोड़ लगी है क्या? जल्दी माइकल को बोला बाद में लड़ लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ भी हो जाए। ये माइकल नाम का बकरा दिखाई नहीं दे रहा मेरे को भाई अभी तक भी। माइकल ब्रो उल्टे काम मत कर। फिलहाल माइकल पता नहीं भाई कहाँ पर निकल गया, एक शिक्षा से यहाँ बंदों को मार रहा है, बट मैंने बोला था किसी को मारना मत। चले माइकल को आने दो, उसके बाद निकलते यहाँ से। हमारी आर्मी आसपास घर के चारों तरफ लगी हुई है, वो बंदों को मारने में लग रही है, बट मैं चाहता हूँ इससे पहले यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा काम हो, हमें निकलना पड़ेगा। माइकल भी पहुंच चुका है फाइनली, बट ये नमूनों का सरदार मान नहीं रहा, बोल रहा है कि ड्राइवर मैं जरा बंदों को सीधा कर लूँ। अबे मेरे भाई तो बैठ जा, बाद मार लो तो गाड़ी में आकर के फटाफट से। फाइनली माइकल बैठ चुका है भाई, घर से बाहर निकलने में दिक्कत हो जाएगी। माइकल गोली चलाते रहे क्योंकि बंदे आए जा रहे हैं एंड आए जा रहे हैं बहुत ज्यादा। एक काम करते हैं, हमें लोगों को यहाँ पर एक स्टिक होम डालना ही पड़ेगा एंड आराम से ले बैठे। आया मजा यार, मेरी आर्मी कहाँ पे रह गई? जल्दी आर्मी को आने में भाई तो टाइम लग रहा है थोड़ा सा, बट वो जल्दी आ जाएगी। ये ले बेटे जल्दी। ओके बहुत बढ़िया। अपना प्यारा भाई डेविड का बेटा शांत बैठा है बेचारा, लगता है जल्दी ड्राइवर को निकाल। रास्ता साफ हो चुका है, आर्मी आकर के यहाँ पर सारा बैलेंस संभाल लेगी, बट हम लोग घर से बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि अटैक बहुत मजबूत हो चुका है। बेचारे प्रेसिडेंट के गार्ड्स कहाँ पर है? जल्दी आराम से। वैसे माइकल के घर के जो गार्ड्स थे वो सारे शहर मेरे को लगता है मर गए भाई, क्योंकि इतना बड़ा अटैक चल रहा है, गार्ड्स तो मरेंगे ही मरेंगे। वो सारे के सारे बंदे मर गए जितना मेरे को अंदाजा है, क्योंकि बहुत सारे गार्ड पे गार्ड्स थे। अभी जब मैं लास्ट टाइम आया था बहुत गार्ड्स थे, लगता है आसपास जो अटैक हुआ वो उनको देखने के लिए निकल गए एंड मारे गए। बहुत सही है भाई, फिलहाल तो बहुत तगड़ा अटैक हुआ। अबे ठीक हो तुम दोनों? यार ये भी ठीक लग रहा है मेरे को, अबे टक लगे से भाई तो क्या क्लिच है ये। ओके फिलहाल माइकल को भी गोली लग गई है, दिक्कत देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा काम हुआ, बट फाइनली क्या मैंने टाइम पे पहुंच के इन दोनों को बचा लिया। देखो भाई मुझे गड़बड़ लग रही है, तुम दोनों ज़रा सेफ रहो, क्योंकि ये ड्रैकुला तुम्हें मारने की अगली बार भी पूरी कोशिश करेगा। अब की बार तो मैं पहुँच गया, आर्मी तुम्हारी मारी गई है, बट देखो इसमें गलती मैं आर्मी की नहीं मानूंगा यार। देखो हमने माइकल के घर पर 50 गार्ड्स तो लगा के रखे थे, 50 बहुत होते हैं यार, इतना सा घर है माइकल का, 50 बंदे बहुत है, बट हमला इतना बड़ा हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। 50 बंदे तो 5 मिनट मर गए होंगे जब तक मैं पहुंचा ना, इसके सारे गार्ड्स तो मर ही गए मेरे को लगता है। बट पॉइंट कहने की ये बात है, मेरे को लगता है माइकल को थोड़ा और सेफ जगह पे भेजना पड़ेगा। माइकल प्रेजेंट है भाई, फाइनली प्रेजेंट की आर्मी आ गई है प्रेजेंट को सिक्योरिटी देने के लिए। जैसे इनको पता लगा माइकल प्रेजेंट गाड़ी में ड्राइवर के साथ में, तो फिलहाल चले बहुत अच्छा काम हो गया। अभी मैं इन दोनों की जगह पे छोड़ूंगा, सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं, आपको बताइए ड्राइवर अगर साथ में है ना तो समझ लिए वन मैन आर्मी ड्राइवर अकेला ही है। बट फिर भी अच्छी बात क्या है, बंदे आ गए हैं, जल्दी आराम से। तो ठीक है भाई अभी मैं इनको छोड़ूंगा। आपको याद है एक माफिया वाला घर है वो सेफ है। माइकल को एंड डेविड के बेटे को लेकर पहुंच चुका हूँ, ये जगह काफ़ी ज़्यादा सेफ है। यहाँ पर गार्ड्स आने के लिए निकल गए हैं, मैंने पूरे 200 गार्ड्स लगवा दिए, बोल दिया मैंने कि यहाँ पर लेसर 200 बंदे भेज तुरंत एकदम, तो यहाँ पर 200 बंदे बड़े वेपन के साथ आने वाले हैं। ये सबसे बेस्ट एरिया है मेरे हिसाब से। अगर यहाँ पर भी भाई अगर कुछ उल्टे सीधे काम होते हैं तो फिर मैं इनको लेके जाऊँगा सीधा प्राइवेट बंकर में। ठीक है भाई ज़रा मेरी बात सुनो, मैंने माइकल को एंड डेविड के बेटे को सारी बातें समझा दी है। माइकल बोल रहा है तो चिंता मत कर, जब तक प्रॉब्लम दूर नहीं होती मैं इसके साथ ही रहूँगा, यहाँ पर गार्ड्स तो आ ही जाएंगे, तो चिंता मत कर मेरे ट्रेवर में कुछ नहीं होगा। मैंने बोला फिर भी देख ले एक बार सोच ले, तो ये बोल रहा है तेरा भाई यहाँ पर है सब कुछ संभाल लेगा, क्योंकि भाई आपको पता है मेरे को भी जाना है जगह पर बेस पर कब्जा करने के लिए, इसलिए मैंने इससे बार बार पूछा कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये बोल रहा है ट्रेवर कोई दिक्कत नहीं है, तू अपना काम करने के लिए जा, मैं इसकी सिक्योरिटी रखूँगा, कुछ नहीं होने दूंगा। तो ठीक है भाई मैंने फ़ोन वैसे ऑलरेडी कर ही दिया है, यहाँ पर 200 से ऊपर गार्ड्स आ जाएंगे, 200 बंदे बहुत हैं। अगर फिर भी भाई अटैक होता है और हम 200 बंदे मर जाते हैं हमारे, फिर मैं इनको प्राइवेट फैसिलिटी में शिफ्ट कर दूंगा फिर, क्योंकि ये बाहर रहना सेफ नहीं है। फिलहाल मैंने दोनों को छोड़ दिया है, अब मैं निकलता हूँ जगह पर। चलिए भाई अब आएगा असली मज़ा, फिलहाल फाइनली वो काम करने के लिए निकलते हैं जिससे मेरी नई आर्मी जो बन रही है वो वहाँ पर रहेगी एंड मजे करेगी। और अब ड्रैगुला को सीधा करता हूँ, इतना दम आ गया भाई साहब कमाल है यार, मतलब अपनी फैमिलीज को मारने में लगा हुआ है ये नमूनों का सरदार। बताओ डेविड के बेटे को मार रहा है, खुद उसका ताऊ होकर के, नहीं ताऊ नहीं है छोटा भाई, चाचा होकर के।
अमेजिंग यार, कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। निकलता हूँ जल्दी से, फिलहाल देखो कुछ रास्ते तक तो मेरे गाड़ी लेकर के जानी पड़ेगी। मैं दो बेस आपको बताया, दो बेस के बारे में पता लगा था। पहला बेस तो डेजर्ट के बीच में पड़ेगा और दूसरा बेस पड़ेगा पानी के बीच में। बहुत देर चलने के बाद फाइनली मैं जगह पर पहुंच चुका अपनी गाड़ी को लेकर के। भाई फ्रंट पर देख रहे हो कैसे कैसे यहाँ पे साइन लगा कर रखे स्टॉप, मैं दूर ही रुक जाओ नहीं तो आगे ज़्यादा बढ़ोगे तो दिक्कत होगी। बड़ा आपका बताइए ड्राइवर कोई डरता नहीं है, जल्दी इन बंदों को मैं सफाई यहाँ पर कर दूंगा। भाई हर जगह साइन लगा के रखे बंदों ने, क्या कर यहाँ पे आगे बढ़ना शुरू किया तो खतरा हो जाएगा। यहाँ पर भी स्टॉप का साइन लगा करके रखा हुआ है, अमेजिंग। लगा ले ब्रो जितने साइन लगा सकते हो तुम लगा लो यहाँ पर, ड्राइवर तो बट यहीं पर आएगा, जितना भी दम है देख लो तुम लोग लगा लो आज। तो फिलहाल ड्राइवर ब्रो चलते रहिए, अब आएगा असली मज़ा। ड्राइवर से पंगा पता नहीं क्यों लेते हैं बंदे। फिलहाल चलिए भाई मैं काफ़ी आगे तक पहुँच चुका हूँ एंड यहाँ पर भी एक और स्टॉप का साइन। सामने आप जगह देख रहे हो वो ये बस बेस आपको काफ़ी दूर से दिखाई देना शुरू हो गया है, यही जगह पर मेरे को जाना है, यहीं पर हमारा बेस है। पहुंच गए बस फाइनली भाई, हर जगह स्टॉप के साइन ही साइन है। ये एक तरीके से वार्निंग है भाई कि जितना तुम आगे बढ़ोगे उतना ही तुम्हारी जान को खतरा होगा। पर ड्राइवर डरता नहीं है, ड्राइवर तो अपने वहीं तक आगे बढ़ेगा जहाँ तक ड्राइवर को जाना है। अब एक काम करते हैं भाई, गाड़ी को यहीं पर खड़ी कर देते हैं लास्ट स्टॉप के साइन पर, क्योंकि इसके बाद में अब मैं पैदल जाऊंगा। अब मैं चेक करूंगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मेरी हेलीकॉप्टर की आर्मी पहुंच चुकी है। ड्राइवर की देख रहे हो भाई, व्हाइट जैकेट कैसी हो गई है, अमेजिंग हो गए, निशान बन गए, डिजाइन बन गया ड्राइवर हाथ पर एंड बैक पर। चलिए फिलहाल ओके, बंदे बड़े सारे हैं भाई यहाँ पर, मेरे प्यारे हेलीकॉप्टर वाले भाइयों जरा सीधा करो। कैसे हो मेरी प्यारी ड्रैकुला की आर्मी? तो ये सारे के सारे बंदे ड्रैकुला के प्राइवेट बंदे हैं एंड यहाँ पे प्राइवेट आर्मी है, ये परमानेंट यहीं पर रहते हैं। ये पता है किस टाइप का काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ, बट सबसे पहले मेरे को ख़त्म कर लूँ उसके बाद ही तो मज़ा आएगा। एले चाचा जल्दी जल्दी ख़त्म होके आगे निकल ड्राइवर, आगे निकल, यहाँ पर रहते हैं मजे से चाचा चंपू। यहाँ पर एक बोल्ट भी है, एक नीचे फैसिलिटी है, ज़रा वो भी मैं ख़त्म करके जाऊँगा। ओके ये रहा भाई मेन बोल्ट, यहाँ पर एक और नीचे फैसिलिटी बना के रखी है ड्रैकुला ने, ज़्यादा टाइम उसका भी दिया नहीं करना है। फिलहाल यहाँ पर सारे बंदे सो गए ना, बहुत बढ़िया। ये बंदे ड्रैकुला के खास खबरी है जो लोस सैंटोस में बीच में घूमते रहते हैं एंड सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं मेन बेस पर। ये पहला दूसरा बेस है छोटे वाला एंड मेन बेस वो है जहां पर ड्रैकुला रहता है। चलिए भाई फिलहाल मैंने खबरियों को मार दिया है, अब ड्रैकुला के पास कोई खबर नहीं जाएगी, पहला पॉइंट तो ये। अब आएगा मज़ा, नीचे निकलते हैं, वॉल्ट में कुछ बंदे हो रहे हैं उनको भी ख़त्म करते हैं। फैसिलिटी में नीचे की तरफ पहुँच चुका हूँ, बंदे बहुत सारे हैं एंड काम ख़त्म, लेट नहीं करते क्योंकि आप बोलते हैं इतना टाइम है ही नहीं। और जल्दी से ये देखो कैसे देख रहा है, चक्कर आ गए भाई साहब, चक्कर आ गए। चलिए ये भी बंदे ख़त्म हो चुके हैं, अंदर भी दो चार बंदे जो हुए उनको भी मार करके निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि उसके बाद मेरे को निकलना है सीधा मेन बेस पर। और मेन बेस मैंने आपको बता दिया पानी के बीच में है एंड वो ही मेन जगह है जिसको मेरे को कब्जाना है। उसी के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एपिसोड शुरू होते ही कि मैंने एक बहुत बड़ा बेस देखा है अपनी फ्यूचर आर्मी के लिए, बहुत पैसों का होता हो अगर मैं एक नंबर से लेता, पर मेरे को तो फ्री में मिलने वाला है बंदों को मार करके। ड्राइवरों जरा आगे बढ़ो एंड बड़े बंदे भाई, अबे कैसे राम प्रकाश गुप्ता जी आ रहे हैं तेरे को पता ही नहीं चला, कमाल करते हैं बंदे। जा जल्दी आप भी खाइए। फिलहाल बंदे बहुत सारे, बट आपको पता ही है मारने पर आता ड्राइवर किसी को नहीं देखता, सबको मार के जाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता फ्यूचर में कोई बंदा परेशानी दे सके वगैरह एंड वगैरह। ठीक है भाई, एलिंगन ने बहुत शॉर्ट करने काम को कर दिया है, सीधा ऊपर की तरफ निकलता हूँ दोबारा से एंड फटाफट से जल्दी से पहुँचते बेस पर आर्मी को ले करके। अब आएगा मजा, काश यार ड्रैकुला एंड बिग माफे वहाँ पर मिल जाए। देखो बिग माफे की लोकेशन भी ट्रैक कर रहे हैं, फिलहाल मेरे को तो इतना आइडिया है भाई शायद से वो भी वहीं पर होगी। अब पहुँच मतलब फ़ोन करता हूँ अपने बंदों को एंड उसकी लास्ट लोकेशन निकलवाता हूँ, देखते बिग माफे कहाँ तक पहुँचा एंड क्या हर एक चीज़ पता लग जाएगा। मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ, मैंने अपने हेलीकॉप्टर वाले बंदों को गाइड कर दिया है कि जल्दी से फटाफट से अभी हमें दूसरी जगह पर निकलना है, लेट बिल्कुल नहीं करना। तो बंदे बोल रहे हैं ड्राइवर सर हम ऑलरेडी पहले से रेडी है, जैसे हमें पता लगा था भाई आपको बताइए, मेरे को पता तो बहुत पहले लग गया था जगह के बारे में, बट मैं आपको पता जाने में लेट हो गया क्योंकि मेरे को बिग माफे का फ़ोन आ गया था, फिर उसको पकड़वाना पड़ा, ऊपर से फिर माइकल के ऊपर अटैक हो गया, वो काम सोल्व करना पड़ा। अब मैं फ्री हूँ क्योंकि अभी कोई दिक्कत नहीं है, अब पहुँचते जगह पर। ड्राइवर गाड़ी उठा, एक काम करते गाड़ी की जरूरत नहीं है, इस गाड़ी को मैं शायद से सोच रहा हूँ रिपेयरिंग के लिए भिजवा दूँ जब तक ये थोड़ी ठीक हो जाएगी, जब तक मैं वहाँ से काम पूरा करके आऊँगा। क्योंकि भाई आपको पता है मेरे को बोट लेकर के जाना पड़ेगा जिस बेस पर मैं अभी जाने वाला हूँ, वो पानी में बहुत दूर चल करके मेरे को पानी तक चलना पड़ेगा, तब वो बेस मेरे को पड़ेगा, तो इसलिए कार के यहाँ पे कोई जगह नहीं है, मतलब जरूरत नहीं है। इसको रिपेयरिंग के लिए भेजता हूँ एंड निकलता हूँ जगह पर। पहुँच चुका हूँ भाई मैं जगह पर, काफ़ी टाइम लग गया मेरे को यहाँ पर आने में, बट ये जगह बड़ी भयंकर लग रही है। फिलहाल मेरे बंदे भी आ गए हैं यहाँ पर, तो बारिश बहुत 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 ज़्यादा तेज़ होकर के रखी हुई है, बहुत दूरी पर पड़ती है ये जगह लोस सैंटोस के। चलिए अब जैसा भी उसको खतरा ना हो, इतने ज़्यादा बंदे यहाँ पर होंगे सब मरने वाले, ये जगह एक नंबर है, यहाँ पर स्वैग एक नंबर है। आर्मी को रखूंगा मैं अपने यहाँ पर, अगर आर्मी भी ना रखी
तो कोई बात नहीं, एक बार बस इस ड्रैकुला का एटीट्यूड मेरे को खत्म करना है। बट वैसे काफी अच्छी जगह है भाई, ज्यादा दूर भी नहीं, लॉस सैंटोस मान के चलिए आधा घंटा लगता है मुश्किल से, कुछ भी नहीं है, आराम से पहुंच जाएंगे मेरे बंदे, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इतनी अच्छी जगह, इतनी फ्री की जगह दोबारा नहीं मिलेगी। बहुत बड़ा आइलैंड है भाई यहाँ पर, ये फैसिलिटी है यहाँ पर, ऊपर से दो चार माइन भी है, क्या पता डायमंड और गोल्ड भी निकलता हो यहाँ पर, तो फ्री में अगर इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है तो कब जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आ रहा है ट्रेवर ब्रो, आ रहा है। चलो भाई ट्रेवर जी जरा आगे तरफ निकलो फिलहाल, चलिए भाई यहाँ पर आगे निकलते हैं, देखते हैं मेरे प्यारे बंदे बाइक वगैरह भी लेकर के आए हैं, हेलीकॉप्टर से बाइक देंगे मेरे को, फिर बाइक से निकलूंगा यहाँ से। मैंने बाइक ले लिया, मेरे हेलीकॉप्टर वाले बंदों ने बाइक मेरे को दिला दिया, नीचे लैंड कराई बाइक मेरे को दी। मैं बाइक इसलिए लेकर के आया भाई आपको बताया, क्योंकि बहुत बड़ा ये आइलैंड होने वाला है और यहाँ पर पैदल चलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आप देख रहे हो कैसे जगह पर रहता है ड्रैकुला, ड्रैकुला भैया हमें से यार। तो डेविड रेस तो यहाँ पे बंद करके रखा था पहले, इस बेस के चारों तरफ भाई बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी जो डेविड ने बनवाई थी, बट ड्रैकुला इनको गिरा डाला, तभी तो यहाँ पर वापस आया शहर में। कैसे वो इंतजार कर रहा था कि इस चीज़ का, जो भी है उनको पक्का नहीं पता, बट डेविड ने इस जगह को बंद करवा के रखा था ताकि इस चीज़ के बारे में कोई जान ना सके कि आखिर साइलेंट पर कौन रहता है और क्या करता है। डेविड बड़ा चालाक बंदा था, बट ड्रैकुला उससे भी ज़्यादा खतरनाक निकला, उसने भी दो मिनट में दीवारें गिरा डाली। अब जो भी है भाई चलिए पहुँचता हूँ एंड तक, मेरी आर्मी आती रहेगी मेरे फॉलो करते करते, बट ज़रा मेरे को भी तो चेक करना है ये बेस, क्योंकि इसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बातें सुनी है कि बेस इतना भयंकर है, यहाँ पर ये होता है, वहाँ पर ये होता है, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें सुनी है मैंने इसके बारे में। देखते हैं कितने खूंखार बंदे यहाँ पर रहते हैं, बंदे तो बहुत सारे मेरे को यहाँ पर मिलेंगे, हज़ारों भी हो सकते हैं, जैसे भी वो पता लग जाएगा। मेरे बहुत सारे आर्मी के बंदे फाइनली भाई आ चुके हैं पैराशूट ले लेकर के, मैंने बहुत सारे बंदों को यहाँ पर बुला लिया है। अमेजिंग मेरे प्यारे भाई, चलो काम करना शुरू करो, अटैक करो, क्योंकि मेरे को ड्रैकुला के आर्मी यहाँ पर दिखना शुरू हो चुकी है, किसी का मत छोड़ना, खत्म करो भाई। यहाँ का वेदर बड़ा अमेजिंग है यार, यहाँ पे आप बंदों को देख रहे हो बड़े खतरनाक तरीके से लग रहे हैं बंदे। आओ भैया सामने की तरफ निकलो, बंदे पता नहीं कितने सारे यहाँ पर हो सकते हैं, ढूंढ ढूंढ के बंदों को मारो। देखो भाई मैं भी ढूंढ ढूंढ के बंदों को मारता हूँ एंड मेरे बंदे भी ढूंढ ढूंढ के बंदों को मारेंगे। मैंने कुछ अपने हेलीकॉप्टर वाले बंदों से अपने टैंक भी मंगा लिया है, टैंक में बैठ करके निकलूंगा शिकार करने के लिए। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हेलीकॉप्टर जो वेट कैरी कर सकते हैं, तो बाइक भी मंगाई थी, हेलीकॉप्टर भी मतलब टैंक भी आने वाला है, उसके बाद ही ख़त्म करेंगे सही बंदों को। आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ जल्दी से, ड्रैकुला का बनाएंगे नेता। यार ये कैसी जगह है यार, ड्रैकुला कैसी जगहों पर रहता है आप देख रहे हो, वैसे उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से सूट कर रही है जगह, एकदम बंदे के ऊपर सूट कर रही है। ऐसा ही बेस मैंने सोचा था कि ऐसी जगह रहता होगा एंड ऐसी ही जगह रहता है नमूनों का सरदार। अब जो भी हो तो आगे निकल ट्रैवलर, देखो जल्दी मेरे को मार के ख़त्म करना है पूरा एरिया, मेरे को ज़्यादा टाइम में स्पेंड नहीं करूँगा यहाँ पर, आगे बढ़ता हूँ। मेरे पास टैंक भाई पहुँच चुका है और मैंने बंदों के ऊपर भी हमला करना शुरू कर दिया है। मेरे आने वाले बंदों ख़त्म करो फटाफट से ट्रैवलर के प्यारे बंदों को, आए बड़े नेता। ट्रैवलर भी डर गया होगा सोचते सोचते कि आखिर ये ड्राइवर पागल हो गया है, मतलब घर में घुस के कौन मारता है भाई, अब इसको क्या बोले, घर में घुस के ड्राइवर मारता है एलिवेटेड ड्राइवर, मतलब क्या सोचता है ड्राइवर डर रहा है, ड्राइवर ये है वो है। ड्राइवर जब अपनी बार आता है ना तो ऐसा ही करता है। देखो भाई बेस पे घुस के ख़त्म किया मैंने ड्रैकुला को अमेजिंग लेवल से, आज की डेट में मेरी पावर इतनी ज़्यादा है ड्राइवर की से डरता नहीं है। तो फिलहाल चलिए भाई आगे बढ़ता हूँ, बहुत सारे बंदे हैं, कोई सकड़ी का नोर गया और मेरे को तो यहाँ पर अपनी जेबर वाली गाड़ी मंगानी चाहिए यार, मैं भूल गया। चलिए खैर कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये भी काम अच्छे से कर रही है फिलहाल। चलिए बहुत बढ़िया जा रहा है भाई, यहाँ तक सारे बंदे मेरे ख़त्म कर दिए, मेरे हेलीकॉप्टर वाले बंदे बहुत अच्छे साथ दे रहे हैं, सारी चीज़ें परफेक्ट चल रही है। ऊपर निकलते हैं, ऊपर बहुत बड़ा बेस है भाई, देखो टाइम लगेगा हमें इसको खाली करने पूरा। मैंने आपको फिर से बोला यहाँ पे हज़ारों बंदे हो सकते हैं, क्योंकि ड्रैकुला का एक घर है तो इसलिए टाइम जाएगा यहाँ पर सही बंदों को ख़त्म करने में। आगे बढ़ते हैं एंड आगे बढ़ते हैं, पर मैं भी अपनी पूरी आर्मी को लेकर के यहाँ पर आया हूँ, आते रहेंगे बंदों को ख़त्म करते रहेंगे जितने भी। देखो ये मेरे बंदे सारे सारे, आ जाओ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ख़त्म करो सभी को। चलिए आगे निकलता हूँ भाई, चेक करता हूँ आगे और कितने बंदे मिलेंगे। आप देख रहे हो बहुत बड़ा आइलैंड है, ये सोच लिए लॉस सैंटोस के बराबर जितनी जगह है, ये थोड़ी कम होगी ज़्यादा नहीं होगी। आगे बढ़ता हूँ, ऊपर बड़े बड़े पहाड़ देख रहे हो आप, यहाँ पर ही बहुत बड़ी बड़ी जगह है और यहाँ पर ही मेरे को पहुँचना पड़ेगा। एक काम करता हूँ सामने वाले पहाड़ों पर पहुँचता हूँ जल्दी से, पहुँच चुका हूँ भाई मैं ऊपर की तरफ। मेरी और भी बहुत सारी मैंने आर्मी बुला ली है, नीचे कुछ बंदे बंदों ख़त्म करने में लग रहे हैं, यहाँ पर कुछ और बंदे पैराशूट लेकर के पहुँच चुके हैं। मेरी आर्मी इतना बुरा मारेंगे सभी को, इतना बुरा मारेंगे किसी ने सोचा नहीं होगा। आ जाओ भाई फटाफट से आ जाओ, क्या देखो नमूनों के सरदारो, जाओगे जाओगे ड्रैकुला के लिए काम करते हो ना, आज तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा प्रस्ताव होने वाला है कि तुम लोगों को ड्रैकुला के काम नहीं करना चाहिए था। जल्दी मेरी आर्मी ख़त्म करो इन सभी को एंड इनको सांस भी नहीं आने देना बिल्कुल भी। बंदे यार बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा बंदे हैं, अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेट करे 800-900 बंदे मारे गए हैं, पूरे कैलकुलेट कर लिए हमने ऊपर से लेकर यहाँ तक जाते हुए पहुँचाऊँ एंड यहाँ पर भी क्या होता कितने बनेंगे। मैंने बोला था ना हज़ारों के हिसाब से बंदे यहाँ पर होने वाले, क्या होता और कितने हो, क्या होता इससे भी डबल मेरे को मारने पड़े भी, हज़ार तो होने ही वाले भाई, क्या होता तो 1000 और हो तो हिसाब से 2000 बंदे मारने पड़ जाएंगे यहाँ पर, तो
एक टाइम पे इतने बंदे आज तक मैंने कभी नहीं मारे, बट फिलहाल चलिए देखते हैं जितने मरेंगे। अब भाई बेस है पूरा, देखो आपको बताया बेस पर तो आर्मी तो उसकी होगी, अब आर्मी है तो फिर तो मारना ही पड़ेगा। ऊपर की तरफ पहुंच चुको भाई, यहाँ तो उससे भी ज़्यादा बंदे मेरे को लग रहे हैं। जल्दी से मेरे हेलीकॉप्टर की आर्मी ख़त्म करो बंदों को, भाई सच्ची में बंदों को मारते मारते थक गया मैं तो। अब जितने मैंने आर्मी नहीं सोची थी ड्रैगुला की, अब यहाँ पर भाई ड्रैगुला है नहीं है भाई। देखो पिंग वहाँ पे की जीपीएस की लोकेशन मैंने आपको बोला था, मैंने चेक करवा लिया, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो किसी तरीके के माइन है फिलहाल, क्या होता है ड्रैगुला पर भी कोई सोने वगैरह की या फिर अपने डायमंड वगैरह की माइन मेरे को लगता है भाई। ओके बंदे ने यहाँ पर एक माइन भी बना कर रखी है, अमेजिंग, बहुत बंदे मार दिए भाई सच्ची में। अब देखो इस बेस को पूरा वेरीफाई करते हैं एंड देखते हैं कि आखिर कहाँ पर और कितने बंदे हैं एंड कहाँ कहाँ पर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं। ड्रैगुला यहाँ पर है या नहीं है, क्या हिसाब है, सारी चीज़ें वेरीफाई करते हैं एंड उसके बाद स्पेस पे कब्जा बस लगभग हमारा हो ही गया क्योंकि हमने सारे बंदे मार दिए। एंड सीधी बात है, अब ड्रैगुला यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर अब मेरी आर्मी लगने वाली है। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि गैंगस्टर डिस्ट्रॉयर के बहुत सारे बंदे आज से रहना शुरू करेंगे, जब मेरी वो आर्मी रेडी हो जाएगी तब वो यहाँ पर रहेगी। क्योंकि भाई आपको बताया मेरे को बहुत ज़्यादा जगह चाहिए क्योंकि मैं आर्मी बनवाऊंगा बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में एंड लोस सैंटोस में इतनी जगह नहीं है कि मैं उनको यहाँ पर रख सकूँ। यहाँ पर मैं सारी चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाऊंगा एंड मेरी वो आर्मी यहाँ पर रहेगी आराम से मजे से। ये बहुत अच्छा आइलैंड है भाई, अभी तो फिलहाल अभी बारिश हो रही है आपको ऐसे लग रहा है, ये बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए, परफेक्ट जगह है। फिलहाल बारिश अभी सही हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हो थोड़ा फोग तो हो गया बट पूरा पूरा एरिया सही हो चुका है। देखो यहाँ पर भाई कुछ घर भी है शायद से बंदे यहाँ पर रहते होंगे, बट फिलहाल अभी यहाँ पर कोई नहीं है, मैंने हम सबको मार दिया आपको बताइए। पॉइंट कहने की ये बात है, ड्रैगुला यहाँ पर नहीं मिला भाई, ड्रैगुला भैया यहाँ पर नहीं मिला, अगर होते तो मज़ा ही आ जाता। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला वो लॉस सैंटोस में है क्योंकि लॉस सैंटोस में वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है फिर अपने डेविड के बेटे के पीछे, इसलिए वो नमूना बच गया। चलिए कोई बात नहीं, बट उसने लॉस सैंटोस में रह करके अपनी सबसे प्यारी चीज़ को गवा दिया, उसका खुद का पुराना 30 साल पुराना घर जो अब से ट्रेवर का हो चुका है। तो चलिए भाई यहाँ से वापस बोट को लेकर के निकलता हूँ, कब्जा हो चुका है सक्सेसफुली, मैंने अपनी नई आर्मी के लिए नया बेस ले लिया, अब आएगा मज़ा। धीरे धीरे आपको और भी ऐसी मेरी रिच लाइफ देखने को मिलेगी, मतलब कि और भी मैं नई नई चीज़ें लाऊंगा अपनी लाइफ में। पहला तो मैंने आइलैंड ले लिया और वो भी फ्री में, पैसों में लेता ना तो बहुत टाइम लगता। चलिए अब मैं दोबारा निकलता हूँ, एक तो रास्ते दिख नहीं रहे भाई, इतना फोग हो गया यहाँ पे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा मेरे को बिल्कुल भी। आगे निकलता हूँ, आर्मी यहाँ पर दो चार जो बंदे और बचेंगे उनको मार के यहाँ से निकल जाएगी। देखो ये आर्मी वो है जो लोगों को मारती है, ये यहाँ पर नहीं रहेगी। प्राउड माफे कुछ और बंदे यहाँ पर रहेंगे, मैंने फोन कर दिया है, थोड़ी देर में आइलैंड पूरा पूरा कब्जे में ले लेंगे, कोई यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। पहुंच चुका हूं भाई मेरी बोट के पास में, दोबारा से शहर में निकलता हूँ बोट को लेकर के एंड वहाँ के हाल चाल पता करता हूँ कि माइकल में कोई दिक्कत तो नहीं है वगैरह वगैरह। आपको बताया मैं डेविड के बेटे को छोड़ के आया था, सारी चीज़ें करके आया था, रही बात इसकी, ये वाला पूरा मैटर सोल्व हो चुका है। ट्रेवर जल्दी से फटाफट से निकलिए, चलिए आज से एक तरीके से देखा जाए तो भाई ये मेरी एम्पायर मान सकते हैं आप लोग, ये अभी तक ड्रैगुला की एम्पायर थी बट आज से ये है ट्रेवर की एम्पायर और यहाँ पर रहेगी मेरी खुद की आर्मी। क्योंकि आपको बता दें कि लॉस सैंटोस मेरा नहीं है बट ये आइलैंड तो कम से कम मेरा है ना। धीरे धीरे कोशिश करूंगा लॉस सैंटोस को खरीद लूँ बट वो टाइम लगेगा उस चीज़ में। चलिए निकलते हैं, देखो लॉस सैंटोस पहुँच रहे हैं, बहुत टाइम जाने वाला है अभी, काफ़ी दूर है, मैंने आपको बोला था आधा घंटा कम से कम लग जाएगा, इसलिए पहुँचता हूँ एंड निकलते हैं जल्दी से जगह पर। मैं शहर में भाई आ चुका हूँ वापस से और मैंने अपनी कार ले ली है, बैरी ने इसको बिल्कुल नई बना दिया, मैंने आपको बोला था मैं इसको रिपेयरिंग के लिए दे जाऊँगा जाते हुए, बैरी ने अमेजिंग काम कर दिया, मैं बैरी से इसको भी लेकर के आया हूँ। तो फिलहाल ना भाई लेस्टर ने फिर फोन किया मेरे को, वहाँ से मेरे को बोला ड्राइवर यार तो अपने उस फैसिलिटी में जाए जहाँ पर हमने लॉकर रखा, मतलब कि लॉकेट रखा था, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को कैमराज में, ऐसा लग रहा है शायद से कैमराज लूप पर चल रहे हैं, कुछ चेंजेस भी नहीं हो रहा काफ़ी दिन से, कैमराज लूप पर चल रहे हैं भाई। मुझे ऐसा लगता है शायद से किसी ने एक्चुअल कैमराज को हैक करके लूप पर फुटेज चला दी है, गड़बड़ तो नहीं हो गई यार मेरे असली लॉकेट के। आपको मैंने बोला था मैंने नकली लॉकेट दिया था किंग डेविड को एंड असली लॉकेट मैंने संभाल के रखा हुआ है, लगता है गड़बड़ तो नहीं है ना, जल्दी जाकर के चेक करता हूँ। ड्राइवर फटाफट से निकल जगह पर, पहुंच चुका हूँ मैं जगह पर, जल्दी से मेरे को चेक करना है। ड्राइवर आराम से निकल, देखो फिलहाल भाई ये मेरी बहुत दूर की फैसिलिटी है, बहुत प्राइवेट जगह है, मैं इसको यहाँ पर आराम से रखता हूँ। ड्राइवर जरा आगे निकल, आगे निकल, आगे निकल, जल्दी से आगे निकल, चेक कर मेरा प्यारा प्यारा लॉकेट। ओके भाई शक तो था लेस्टर को एंड मुझे भी, कैमराज जैसी पता चला लूप पर है तभी मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है, हमारे बंदे मारे गए। पता है मैं कैमराज में क्या दिखाई दे रहा था, गार्ड्स खड़े हुए हैं आराम से ड्यूटी कर रहे हैं, फिर ना कैमरा में एक हम लोगों ने ऐसी चीज़ देखी, ब्लिंक हुए कैमरा एकदम से, तो लेस्टर समझ गया कि फुटेज लूप पर चल रही है, बार बार हर दो घंटे में लूप हो रही है वही फुटेज और हम लोग सोच रहे हैं कि गार्ड्स हमारे बस ऐसे काम कर रहे हैं। फिलहाल इसका मतलब आज पता नहीं कब हुआ है काम, कैसे हुआ ये नहीं पता, कब भाई बंदे मरे, हमने तो अभी चेक किया और कैमराज में तो अभी भी ऐसे दिखा रहे हैं बंदे ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पर वो लॉकेट रखा था मैंने बॉक्स पर एंड वो हो गया गायब, अब ज़रा हो गई ये दिक्कत क्योंकि रॉबर्ट फिलिप्स का असली लॉकेट चोरी हो गया, क्या इसके पीछे डेविड का हाथ है,
देखो यार, बिग माफिया के पास जो लॉकेट है वो असली नकली मेरे को पक्का नहीं पता, बट कुछ तो गड़बड़ है। क्या करें, मैं फोन करता हूँ, चेक करता हूँ क्या दिक्कत है, पता लग जाएगा। लेस्टर का फोन दोबारा से आया मेरे पास। लेस्टर मेरे को बोल रहा है मैंने अभी आगे की फुटेज चेक करी और पीछे की सारी सारी चित्री मेरे को मिल पाई। मैंने फैसिलिटेटर डेविड को घुसते हुए देखा है, जब तूने उसको पकड़ा था ना उससे पहले डेविड यहाँ पर घुसा था। नमूनों का सरदार, तो डेविड असली लॉकेट निकाल के ले गया। इसका मतलब कि उसको इसका मतलब पता है मैंने उसको नकली लॉकेट दिया था काफ़ी टाइम पहले, तो उसने बहुत टाइम पहले ही इसको ले लिया था मुझसे असली कोई। अमेजिंग भाई, ये बंदा मुझसे बहुत आगे चल रहा है एंड फ्रॉड एंड झूठा है, मुझसे बहुत बातें छुपाता है। जल्दी निकलता हूँ। डेविड के पास आकर के मैंने बातें कर ली है। बात घुमाने में ये एक नंबर का बंदा है भाई, मुझे बोलता है कि ट्रेवर लॉकेट मेरे पास ये, थैंक यू भाई मेरे को, मुझे पता लगा जहाँ पर तूने असली रॉकेट रखा है ना। ये बोल रहा है इसको उसी दिन पता लग गया था मैंने इसको नकली रॉकेट दिया था, बट इसने कुछ नहीं बोला। इसने अब मेरे को बोला है कि मेरे को पता था कहाँ पर तूने असली रखा है, तो मेरे बंदों ने कुछ बोला कोई बंदे लॉकेट चुराने जाने वाले ट्रेवर का, इसलिए मैं वहाँ पर पहुँचा, मैंने उन बंदों को मार करके लॉकेट छीन लिया, लॉकेट सेफ है मेरे पास ही है। ये मेरे को बोल रहा है कि इसने चुराने के लिए बंदों को नहीं मारा था, इसने वहाँ पर लॉकेट को बचाने के लिए सारा काम किया है एंड मेरे को अब तक ये बात नहीं बताई थी। अब इसकी बात का क्या भरोसा करे, क्योंकि ऑलरेडी इतने झूठ बोल चुका है और मेरे को बोल नहीं रहा, बोल रहा है लॉकेट ट्रेवर सेफ जगह पर है तो चिंता मत कर मिल जाएगा बाद में, मेरे को बता रहा भाई जगह कौन सी है। ड्राइवर के पापा का लॉकेट मेरे से जा चुका है, पहले मैं खुश इस बात से था कि वो लॉकेट मेरे पास रखा था, बट अब वो पहुंच चुका है दुश्मन के हाथ में जो कि है किंग डेविड। डेविड भैया क्या करूं मैं आपका, मेरे को गुस्सा इतना मत दिलाओ कि बहुत बुरा कर दूं मैं अभी मार नहीं रहा, तो ये मत सोचो ड्राइवर कुछ नहीं कह रहा, शराफत है मेरी ये। इसको करंट थोड़ी देर में लगाऊंगा, नहीं तो अभी मैं इसका नेता बना के जाता, जरा मेरे को निकलना पड़ेगा। दोबारा से डेविड के बेटे को पर अटैक हो गया, मैंने डेविड को बताया नहीं तो बोलेगा ड्राइवर तो मेरे बेटे को मरवाएगा ये वगैरह का। जल्दी निकलना पड़ेगा घर पर, दिक्कत हो गई बहुत ज्यादा। पहुंच चुका हूं मैं जगह पर अपने प्यारे हेलीकॉप्टर को लेकर के घर पर। एक सेकंड, ये क्या बदतमीजी चल रही है, कोई दुश्मन पार्टी के बंदे तो घर पे घुसे ही नहीं है। माइकल से बात कर लिया, माइकल बोल रहा है ट्रेवर यार सॉरी मैं घर पर नहीं था। मैंने बोला भाई नमूने ये क्या ड्रामा चल रहा है यार, ये मेरे गार्ड से फिर इन्होंने धोखा कैसे दे दिया। अबे तुम मुझे मारना चाहते हो यार, ये गार्ड सिक्योरिटी के लिए रखे घर पर, ये बिक गए यार, ऐसा कैसे हो सकता है। अबे मेरे बंदे होकर के मेरे ऊपर ये अटैक कर रहे हो, कमाल हो गया कमाल भाई, मेरे बंदे मुझे धोखा दे रहे हैं, इतना मारूंगा। माइकल ने तो वेरीफाई नहीं किया गया। जल्दी 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 ये ले बैठे आया मत, जल्दी 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 और आएगा मुझे, आएगा 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 आएगा, मेरे बंदे होकर के मुझसे गद्दारी, मुझसे गद्दारी, इतने बड़े हो गए। जल्दी ड्राइवर ब्रो खत्म कर, इनको खत्म कर यार, ये बिल्कुल नहीं सोचा था मैंने कि मेरे ही जो गार्ड्स मेरे भिजवाए थे, मैंने आपको बोला था मैं अपने कुछ गार्ड्स यहाँ पर भिजवा रहा हूँ, माइकल ने पता नहीं क्यों इनको वेरीफाई नहीं किया। फिर देखो माइकल ही क्या बोल सकता है, गार्ड्स पर मैंने भिजवाए थे, अगर 1% माइकल भिजवाता तो मैं उसको कहता कि भाई तूने ढंग के गार्ड्स नहीं भिजवाए, अच्छे गार्ड्स नहीं थे, बट यार ये तो मैंने ही लगवाए थे यहाँ पर। एंड कमाल, जल्दी से एक काम करता हूँ घर के अंदर घुसता हूँ, डेविड के बेटे को लेकर के निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये एरिया सेफ नहीं है। जब हमारे गार्ड्स ही बिक गए तो इसका मतलब कोई और भी अटैक करने के लिए आ सकता है। ड्राइवर जल्दी से घर के अंदर पहुँच एंड लेकर के आ उसको। मैं तो घर से बाहर लेकर के निकल पड़ा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता अभी भी और भी कुछ अटैक हो जाए, क्योंकि मेरे को सेफ जगह पहुँचाना पड़ेगा। ट्रैवल तो नहा धो करके इसको जान से मारने लग रहा है, इसलिए मेरे को बोला ट्रैवल से भी चल क्या रहा है, आपके गार्ड से मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मैंने बोला भाई मेरे को खुद नहीं पता कि आखिर मेरे गार्ड्स ने मेरे ऊपर कैसे अटैक कर दिया भाई, लगता है खतरा अभी तक टला नहीं है, खतरा अभी तक टला नहीं है। तो एक काम कर आराम से रहे, जरा आराम से रहे, इसको नहीं तो मैं बनाऊंगा ऊपर गाड़ी का बैलेंस बनने दे। कौन है नमूना चंपू, तू अब भी तेरा नेता बनाने वाला, रुक जा बस तू एक मिनट रुक जा। फिलहाल काफी देर के बाद बंदे ने मैग्नेट को इतना ज्यादा हाई कर दिया है, अब गाड़ी के बैलेंस बहुत अच्छा बन चुका है। अब मुझे ऐसा लगता है शायद से या तो मेरे गाड़ी के ऊपर, वैसे गाड़ी के ऊपर जाने का स्पेस बचा नहीं है, तो सिंपल तरीके से तू ना इस बंदे को खत्म कर दे, क्योंकि मेरे को लगता है ये हम दोनों कहीं पर किडनैप करके लेकर के जा रहा है, फिर जो कुछ भी करना चाह रहा है बंदा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि मेरे को इसको सेफ रखना है। क्या पता यही ड्राइवर का भाई हो, ये ड्रैगन तो नहा धो के पीछे पड़ गया। अरे चाचा तो चिंता मत कर, इसको तो मैं दौड़ में अभी सीधा करता हूँ, जरा निशाना लगने दे एक बार, जरा ये ले बैठे आया मजा। तो फिलहाल देख गाड़ी में प्यार से रहे और जरा सीट बेल्ट बांध ले, क्योंकि आपकी बेटी वो कहते ना भी ये आपकी फ्लाइट क्रैश होने वाली है, जरा अगर किस्मत अच्छी हो तो बच जाएंगे, बट ट्रेवर गाड़ी है कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके फाइनली आराम से कुछ नहीं होगा, तो चिंता मत कर कुछ नहीं होगा, हेलीकॉप्टर की मैग्नेट एक बार छूट जाएगी तो सही हो जाएगा। फिलहाल हेलीकॉप्टर में दो चार गोली और मारता हूँ, क्योंकि मैग्नेट अभी भी इसकी काम कर रही है, और जैसे ही कोई मैग्नेट ठीक हो जाएगी तो अभी हम लोग नॉर्मल हो जाएंगे। फाइनली मैग्नेट से नीचे की तरफ गिर चुके हैं, परफेक्ट एकदम। चलिए यार इसको भी सेफ जगह पे लेकर के निकलता हूँ। आपको बताइए मैग्नेट तो खराब हो ही जाएगी जब इंजन ही फट गया, तो थोड़ी देर बाद मैग्नेट अभी काम करना बंद कर दिया। जल्दी से तू चिंता मत कर ब्रो, तू चिंता मत कर, दो बार अटैक हुआ है इस बंदे के ऊपर यार, अब मेरे को थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा इस मैटर को। इसका मतलब जितना मैं लाइटली ले रहा हूँ ना ड्रैगुला को, वो उतना नहीं है। उसका तो बेस भी कब्जा कर लिया मैंने, उसने तब भी सीरियस नहीं लिया इस मैटर को यार।
इस मतलब इसको मारने के लिए इतना पीछा पड़ा हुआ, जितना मेरे को भी नहीं मार रहा, मेरे को इग्नोर मार रहा है, फुल इग्नोर कर रहा है मेरे को। अमेजिंग भाई अमेजिंग। चलिए खैर निकलता हूँ जल्दी से जैसा भी हो। फिलहाल मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, मैं एक बहुत बड़ी चीज़ बनवा रहा हूँ, ऐसी चीज़ बनवा रहा हूँ जो शायद से आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगी। वो एक ऐसी चीज़ है जिससे बंदों की बात खत्म हो जाएगी। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ अब तक बनी नहीं है जी ट्रैवल, मतलब मैं बनवा रहा हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, मज़ा आ जाएगा। दुनिया की कोई भी माफिया भी मेरे सामने आ जाए, कोई मतलब टिक नहीं सकता 1% भी उसके सामने। फिलहाल चलिए वो तो देख लेंगे, पहले वहाँ तक पहुँचे तो सही, क्योंकि अभी तो इसको सेफली फिर से छोड़ना पड़ेगा एक जगह पर, देखते हैं अब क्या होगा। मैंने उसको घर पर सेफली पहुँचा दिया, अपने घर पर नहीं एक जगह पर, और अब वो वहीं पर सेफली रहेगा। मैंने माइकल को बोल दिया भाई उसके पास पहुँच, वहीं पर रहे जब तक मेरे को लगता है खतरा भी टला नहीं है, जब तक वहीं पर सिक्योरिटी दे और गार्ड्स लगवा ले अब की बार अच्छे वाले। भाई ये तो धोखा दे गए। चले जो भी है अभी जल्दी से जगह पर निकलता हूँ मैं अपने कुछ बंदों से मिलने के लिए। वो बंदे मेरे को कुछ स्ट्रेटजी देंगे ट्रैकुलर को पकड़ने के लिए एंड बाकी और काम करने के लिए, जैसा भी वो पता लग जाएगा। ट्रेवर आराम से पहुँच चुका हूँ बंदों के पास मिलने के लिए। बड़े प्यारे बंदे हैं, अकल है इनके पास बंदों के पास, तो देखते हैं मुझे क्या ये प्यारा सा आइडिया दे सकते हैं जिससे हमारा कुछ काम बनेगा। हेलो बॉयज कैसे हो? अच्छा मेरे भाइयों ज़रा बताओ क्या स्ट्रेटेजी है तुम लोगों के पास में, किससे हमारा कुछ काम हो सकता है। बंदा बोल रहा है कन्फर्म न्यूज़ है ट्रेवर सर, हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है आपको बताइए। हम लोगों ने GPS लगाया था बिग माफिया उस पर, तो ये बोल रहे हैं अब हमें ना एक काम करते हैं बिग माफिया, हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ये निकाली है बिग माफिया कुछ ज़्यादा ही अटैच होकर रखा है ड्रैकुला के आजकल, तो अगर हम लोगों ने मतलब कि बिग माफिया को पकड़ा तो ड्रैकुला ऑटोमेटिक खुद आपके सामने आ जाएगा और आप उससे आराम से मिल सकते हो, कोई भी चिंता की बात नहीं है। तो मैंने बोला पकड़ा कैसे उसको बिग माफिया को? बोल रहे हैं हमने उसके सारा मतलब कि लोकेशन निकाल लिया, उसके हर एक रूट को पता कर लिया, सब कुछ हम लोगों ने पता कर लिया है। आप फटाफट से FI बिल्डिंग पर चाहिए, FI बिल्डिंग के एक फ्लोर को फिलहाल एक बंदे ने रेंट पर लेकर के रखा है। उस बिल्डिंग को है मतलब कोई ऐसा फ्लोर है वो खाली पड़ रहता है, FI उसको यूज़ नहीं करती, तो उस बंदे ने अपनी पावर्स दिखाई एंड उसको कुछ टाइम के लिए ले लिया। तो ये बोल रहे हैं कि वो FIB वाला मतलब कि वो बिल्डिंग में जो बंदा रहता है वो बिग माफिया का बहुत अच्छा दोस्त है, अगर मैं उसको जाकर के मार दूँ तो 101% बिग माफिया वहाँ पर आएगा देखने के लिए, उसको बाय बोलने के लिए। जब वो बाय बोलने के लिए आएगा तो ट्रेवर सर आप बिग माफिया को किडनैप कर लो और फिर उसके बाद में ड्रैकुला आपके पास 101% आएगा। तो ठीक है चलिए भाई ये काम मेरे को लगता सही है। अभी तक मैंने बिग माफिया को इसलिए नहीं पकड़ा था क्योंकि मैं सोच रहा था वो मेरे को लेके चले जाएगा ट्रैकुला के पास, बट कोई बात नहीं हम उसको किडनैप करके भी उसको काम में ले सकते हैं। जो चीज़ मतलब वो काम नहीं आई ये चीज़ काम आ जाएगी। पहुँच गया भाई मैं उसी वाले फ्लोर पर, लगभग मैंने बहुत बंदों ख़त्म तो कर भी दिया है, कुछ ही बंदे से बचे हुए हैं, जल्दी से उनको भी खत्म कर देता हूँ। भाई कैसे परेशान है, तुम्हारे पास तो वेपन भी नहीं है, अमेजिंग यार। भाई इनमें से बहुत सारे बंदों के पास में गन टाइप का कोई वेपन ही नहीं है, डंडा लेकर घूम रहे सारे सारे बंदे। अबे डंडे से मारेगा मेरे को, डंडे से मारेगा। एक काम कर यार ट्रेवर घुसे मत मार, मिनी गन निकाल अब आएगा मतलब, मिनी गन निकाल जल्दी चला इसको। एक तो यार ये ट्रेवर ना थोड़ा स्पेस चाहिए मिनी गन चलने के लिए, तभी ट्रेवर ना मिनी गन को यूज़ कर पाता है। देखो ट्रेवर को यहाँ पे स्पेस ही नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं बेटे। अरे यार आज तो हो गए तुम लोग, खैर इनको नहीं मारना था सिक्योरिटी वाले छेले हैं तो, ये है मेन बो ले बेटे। कैसी लगी है मतलब यार इतने सिंपल तरीके से मैं इसको मार दूंगा, मैंने कभी नहीं सोचा। अभी भी मरा, अबे नमूनों के सरदार कितने प्यार से पिटेगा। तो फाइनली मैं 2 मिनट में घुस भी गया एंड मैंने बंदे को मार दिया। आंटी जी अरे चलो छोड़ो आपको क्या मारना। तो फिलहाल बंदा दी एंड हो चुका है बिग माफिया का वो बंदा। एक सेकंड ट्रेवर ब्रो क्या बार बार अंदर बाहर जा रहा है, चुपचाप बाहर जाना तो बिल्कुल दोबारा से पीछे से आकर के बाहर जाना पड़ेगा। तो पॉइंट करने की बात है हमारा मिशन पूरा हो चुका है, मतलब ये छोटे वाला काम जो मेरे को करना था बिग माफिया को बुलाने के लिए। अब बिग माफिया 101% अपने दोस्त के फ्यूनरल पे ज़रूर आएगा या उससे मिलने के लिए ज़रूर आएगा, तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार करना है एंड जब वो आएगा तब आएगा असली मजा। ये ले बेटे, अरे कैसे परेशान हो। चलो जब तुम उसको मार देते हो दो चार तुम्हें मार देता हूँ, खत्म हो गया भाई, 2-3 बंदे ही बचे हुए। आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो, बहुत बढ़िया। अरे लाइन से ही आकर के मर गए तुम लोग तो यार। अबे ठीक है भाई फाइनली सारे बंदे दिए, निकलता हूँ नीचे। फिलहाल मैंने थोड़ा सा डैमेज और कर दिया बिल्डिंग को ताकि बिग माफिया थोड़ा और गुस्से में हो जाए। मैंने बिल्डिंग के नीचे एक छोटा सा बॉम्ब लगा दिया जो बड़ी प्यार से फटने में लग रहा है। अब तो नमूने को आना ही पड़ेगा, मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ जैसे ही बिग माफिया आए उसको तो सीधा कर दूंगा। बताओ दोस्त था अपना, दोस्त भी गद्दार बन रहे हैं यार, कैसा काम चलेगा। चलिए अब जैसी बात उसने गद्दारी की है तो उसको उसकी सजा भी मिलेगी। फाइनली अपना प्लान सक्सेसफुल हो चुका है, बिग माफिया बहुत सारी लिमोजिन में अभी पहुंचा। इसने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ उसके वेट कर रहा हूँ। नमूनों को सरदार सीधा अंदर निकल गया एंड पहुंच गया अपनी आर्मी के साथ चेक करने के लिए। फिलहाल शाम नहीं मतलब आसपास ही खड़ा होगा, पूरा अंदर तो जा नहीं पाएगा क्योंकि बॉम्ब फट रहा है, आग में से कैसे चले जाएगा मतलब ही नहीं है। आसपास की तरफ कहीं में खड़ा होगा, बेचारा रो रहा होगा, सोच रहा होगा यार मेरा दोस्त मारा गया। दरअसल बिग माफिया के काफ़ी अच्छा दोस्त है और उससे खबरी भी है। चलिए सुला दिया नमूने को, अब ज़रा वेट करते हैं जैसे ही बंदे यहाँ से निकले गाड़ी में बैठ बैठ करके, तब मैं मज़े दिखाऊंगा बिग माफिया को, कैरी में ले आके इतना पीटूंगा उसने कभी सोचा नहीं होगा। फाइनली बिग माफिया भैया अपने प्यारे सभी बंदों के साथ बैठ करके यहाँ से निकल पड़े हैं।
चलिए अमेजिंग बिग माफिया ब्रो, आना नहीं चाहिए था, इतने कच्चे काम तेरे को नहीं करने चाहिए थे। अबे तेरे को पता नहीं है तेरे बंदे को ड्राइवर ने मारा, एंड अब तू भी मरेगा नमूनों के सरदार। हेलो जी कैसे हो? फिलहाल बिग माफिया गोली लग गई है भाई शायद से, हाँ लग गई है, बहुत बढ़िया। अब देखना ये है कि बॉडी चोटी लगाया क्या लगाया वो तो पता लग जाएगा, बट यार मरेगा तो नहीं नमूना इतना आसानी से, इतना आसानी से इसको मरने नहीं दूंगा मैं भी। ड्राइवर इसको मतलब मारना नहीं यार, देखो इससे पहले वजह भी तो पूछनी है और सारे काम भी पूछने, जल्दी से और भी बहुत सारी गाड़ियाँ। एक काम करता हूँ उतरता हूँ एंड बिग माफिया के प्यारे चीलों को जरा मैं मिनी गन से सीधा कर लूंगा। फिलहाल यार सोचा नहीं था इतना वायलेंस करना है मेरे को, बट आज तो ज़्यादा ही फाइटें करवा दी बंदों ने मेरे, कमाल करके। जब मैं सोचता हूँ कि बंदे कम मारने हैं तो उसी दिन बंदे ज़्यादा मरते हैं, पता नहीं क्या बात है, ये पहले से ही होता है मेरे साथ में। तो ठीक है भाई, लगता है सारे बंदे सो गए। बिग माफिया ब्रो गाड़ी से निकालता हूँ, पीछे वाली गाड़ी में उसको गोली लगी थी, आराम से सारे सारे काम करते। हेलो जी बिग माफिया जी, अरे ले ले कैसे पले हो, मुझसे पंगा नमूनों के सरदार, अब आएगा मज़ा। गैरेज में लेकर के निकलता हूँ एंड पिटाई करते हैं, फिर आएगा मज़ा। बिग माफिया को मैं लेकर के पहुँच चुका हूँ, कुछ भी नहीं बता रहा, बोल रहा है ड्राइवर तूने गलती करी है, तूने लॉकेट के हमें रास्ता तो बताया नहीं, ऊपर से पंगा ले लिया मुझे पकड़ के मेरे दोस्त को मार के, ऊपर से तूने बेस पे भी कब्जा कर लिया। ड्रैकुला मार देगा तेरे को ड्राइवर, इसने ये मुझे बोला। मैंने बोला भाई उसको मेरे को लेके तो आ सामने, उसको बुलाने के लिए तो तेरे को पकड़ा है नमूने, ड्राइवर डरता नहीं है। मैंने सोचा था ड्राइवर आज तेरे को नहीं मारूंगा, बट तू क्यों 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 पंगे ले रहा है मुझसे? अब जरा मेरी बात सुन ड्राइवर, अगर तूने बिग बॉस को नहीं छोड़ा तो खत्म कर दूंगा तेरे दोस्त लेस्टर को। इस वक्त तो मेरे पास है, चुपचाप मेरे पास बिग माफिया को लेकर के आ जा, एक्सचेंज कर ले, नहीं तो बुरा होगा। समझ में आ रही है तेरे को सारी बातें? एक घंटा है तेरे पास। मेरे पास फोन आया नमूने का, आपने बातें सुनी ली है, ये लेस्टर यार इसको इतनी बार बोला है फैक्ट्री है, मत रहा कर इतनी मेहनत से इसको पकड़ के लेकर के आए, फिर मैं देखो अब छोड़ना पड़ेगा इसको। ये तो यहीं पर रहे, जरा मैं चेक करता हूँ लेस्टर की फैक्ट्री में जाकर के, भाई चेक करता हूँ। पहुंच चुका हूँ मैं लेस्टर की फैक्ट्री पर, जल्दी से गार्ड्स तो मर गए वो तो मैंने एंट्री पर ही देख लिया, और ये लेस्टर नाम का मतलब कि बकरा भी किडनैप हो गया होगा। क्या बोले यार क्या बोले, मैं से बड़ा दुखी हो गया सच्ची में, बड़ा दुखी हो गया। हेलो आंटी हो, आपका प्यारा नमूना कहाँ है वो डेढ़ पैर वाला? अरे यार गया। आंटी हो प्लीज क्या मेरे को बता सकती हो कहाँ पर है दोस्त लेस्टर मेरा? क्या बताऊँ बेटे ड्राइवर, आज तो इतनी खुशी हो रही है, दो कपड़े ज्यादा सील करके जाओगी, इतना मजा आया। यहाँ से निकला दो चार बंदों ने इतना पीटा उसका पिछवाड़ा 4 इंच सुझा दिया, ऊपर से सूखे कुएं में डाल दिया नमूने को, आज तो दबा करके दारू पी करके सोऊंगी, वे नाच करके मजा आ गया मेरे को। एक कैसी आंटी है भाई, खैर भाई सैलरी नहीं दोगे और रात रात भर जबरदस्ती से काम करवाओगे तो फिर तो ऐसा ही होगा। ये आंटियां चाहती है लेस्टर मर जाए, बोल रही है इतना पीटा उसका पिछवाड़ा सुझा दिया एंड उसको सूखे कुएं में डाल करके चले गए। खैर ये मजे ले रही है मुझसे, मुझे पता है क्योंकि वो किडनैप हो चुका है, इतना तो फोन आ गया मेरे पास में। अरे यार ये कपड़े वाली आंटियां कितने अलग ही लेवल की है, क्या बोले इनसे क्या ही बोले। चलिए ड्राइवर फटाफट से जगह पर निकलिए, लेके आता हूँ नमूने को गैरेज से एंड मीटिंग प्लेस पता करता हूँ कहाँ पर एक्सचेंज करना है। वैसे कोई बात नहीं, बिग माफिया को पकड़ने वाला काम आ तो गया हमारा, मुझे ड्रैकुला से मिलना था, ड्रैकुला आ रहा है मीटिंग करने के लिए एक्सचेंज करने के लिए, परफेक्ट। चल ड्राइवर जो मतलब जल्दी से निकल मेरे भाई, लेके बिग माफिया को और निकलते जगह पर एक्सचेंज के लिए। पहुंच चुका हूँ मैं जगह पर, ड्रैकुला भैया ने मेरे एयरपोर्ट पर ही एक्सचेंज वाला काम रखा है। चलिए बिग माफिया ब्रो, वैसे इसने मेरे को स्पेशली बोला था ड्राइवर गार्ड्स एक नहीं होने चाहिए तेरे साथ में, अकेले आना। चलिए अकेला ही आया हूँ मैं, आओ बिग माफिया ब्रो आओ। चलिए आपका प्यारा बॉस, आपने पहले धोखा दे दिया तो वही आपका बॉस है, तो फाइनली आज पहली बार ड्रैकुला से मिल लिए। हेलो लेस्टर ब्रो, छुआरे कैसा है? चल इधर आ जा, चल बिग माफिया उधर जा एक्सचेंज कर फटाफट। लेस्टर मेरी तरफ आ चुका है, बिग माफिया उधर जा चुका है, बातें करते हैं, ऐसे तो इसको जाने दूंगा। लेस्टर ब्रो तू आराम से एक काम कर, झुकी भैंस गाड़ी में जाके बैठ, चल मैं सोल्व करता हूँ सारा मैटर, चल निकल यहाँ से। लेस्टर को फिलहाल मैंने गाड़ी में भेज दिया है, देखो आराम से कैसे जाकर के बैठेगा नमूना, वो वहीं पर ठीक है। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो ड्रैकुला जी कैसे स्मोकिंग करने में इतना बिजी हो यार? वैसे तुम्हें एक बात मेरे को समझ नहीं आई, तुम मतलब अपने भाई को ही मारना चाह रहे हो और वो तुम्हारा भाई डर के रखा हुआ है, ये नहीं बताऊंगा वो कहाँ पर है, बट दोबारा तुम मेरे को कभी हिप्नोटाइज नहीं कर पाएगा ब्रो, क्योंकि मैं सोता ही नहीं हूँ अब तेरे चक्कर में, समझ में आया ना? और एक बात और समझ नहीं आ रही, अबे तू कैसा चाचा है, अपने भतीजे को मारना चाहता है, उसको तो छोड़ दे कम से कम, या उसको भी मारे क्या मिलेगा, दो दो बार मैंने उसकी जान बचाई है, आज कहाँ है पूरे दिन से? मजे लेते हैं ड्रैकुला से, पता तो करो उसके बारे में सारे राज़े, क्योंकि बातें बहुत कम करता है। मुझे किसने बताया बे ड्राइवर कि मैं उसको मारना चाहता हूँ? तेरा दिमाग खराब है? अबे मैं अपने छोटे भाई को क्यों मारूंगा? और एक बात और मेरे को जरा बता, तूने बोला कि
डेविड मेरा भाई है। दिमाग खराब हो गया तेरे को? अब मैं समझ गया तू डेविड की कठपुतली है। अबे तुझसे खेल रहा है वो मुन्ना। डेविड का बेटा हूँ मैं, बेटा ना कि भाई। वाह भाई डेविड वाह, अपने बेटे को भाई बना दिया। ट्रेवर पता नहीं तेरे साथ वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, मेरे को इतना नहीं पता। पर एक बात और क्लियर कर दो, मैंने आज अपने भाई को बचाने की कोशिश करी है हर बार, ना कि मारने की। मुझे नहीं पता ये टैक्स किसने किए, मैं आज अपने अलग काम में बिजी था। बट ट्रेवर अच्छा हो तेरे से मिलना था। अब तेरे पास एक ऑफर है ट्रेवर, अगर जिंदगी चाहता है, जो लास्ट टाइम मैंने तेरे को बात बोली थी वो मैं तेरे को अब भी बोल रहा हूँ। तूने मेरी बहुत हेल्प करी है, तेरा एहसान है मेरे ऊपर, इसलिए तेरे को लास्ट टाइम मैंने माफ कर दिया। जो पहले हमारे बीच में हो चुका मैं सब माफ करने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ जो तेरे पास है वो दे दे, मुझे प्राउड मॉफे का बॉस बनना है। डेविड की लोकेशन मेरे को बता दे, एंड उसके बाद में तू फ्री और मैं भी फ्री, क्योंकि मेरे को पता है डेविड तेरे को बेवकूफ बना रहा है। दिमाग में डाल ले मैं उसका बेटा हूँ ना कि उसका भाई, वो झूठा है एक नंबर का झूठा। फिलहाल भाई साहब जिंदगी खत्म कर दी ट्रेवर की डेविड ने, मैं उसको बहुत मारूंगा। उसने मेरे को झूठी कहानी बताई ड्रैकुला के बारे में, उसने ही नहीं बाकी और बंदों ने भी। वैसे बाकी बंदों को पता ही नहीं है भाई ड्रैकुला डेविड का बेटा ना कि भाई। उसने बोला ये मेरा भाई है, इस मेरे पापा से कहीं से लेकर के आ गए थे, एंड ये वो पाना चाहता है जो इसका है। भाई सब कुछ झूठ, आखिर ये कैसा पापा है जो अपने बेटे को मुझसे मरवाना चाह रहा है, एंड ऊपर से मेरे को ऐसा बोला कि ये मारेगा उसको। अरे आपस में क्यों मारेंगे, इनमें तो काफी प्यार है, इसने बोला मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा। सही है बेटे, ड्राइवर बेटा सूखा कुआ नहीं है कि लॉस सैंटोस में, लगता है कूदना पड़ेगा या फिर डेविड को धक्का देना पड़ेगा। बड़े बुरे बुरे काम चल रहे यार, ऐसा कभी नहीं सोचा था जिंदगी में, नहीं सोचा था ऐसा हो जाएगा। अबे भाई ड्रैकुला ये क्या चल रहा है ये, अब ये दुश्मन है दोस्त है क्या बोलूं मैं इसको, इसे तो बड़ी हेल्प कर दी मेरी। ड्राइवर ज्यादा मत सोच, मेरे को फिर से बोल रहा हूँ सब कुछ मेरे हवाले कर दे, नहीं तो बुरा होगा। एक बार और बता दूं, अगर तूने ना किया ना ड्राइवर तो तुझे मुझसे कोई बचाने वाला पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। प्यार से बात कर रहा हूँ तो ये मत समझना ड्रैकुला कमजोर है। ड्रैकुला उस चीज का नाम है जो 30 साल तक एक जगह रह गया है, तुझे मेरे बेस पर कब्जा किया। मैं अभी कुछ और करने में बिजी हूँ ड्राइवर, मेरे बेस को तूने ले लिया तो वो क्या अपने आप को बड़ा बहादुर समझता है। मेरे बेस पर मेरी खूंखार आर्मी तो थी नहीं, फिर वहां पर कुछ गार्ड्स थे जो कि 1000-2000 बंदे होंगे सिर्फ। तुमने आज तक मेरी आर्मी को देखा ही कहां है ड्राइवर, जिस दिन देख लेगा मुझसे भीख मांगेगा अपनी जान की। अभी भी लास्ट ऑप्शन दे रहा हूँ, सब कुछ मेरे नाम कर दिए और चुपचाप हट जा, नहीं तो अब की बार ऐसा तेरे को हिप्नोटाइज करके ऐसा उलझाऊंगा पूरी जिंदगी भर तू सपने से बाहर भी नहीं आ पाएगा, समझा। ड्रैकुला ने धमकी दे दी मेरे को, बट भाई धमकी छोड़ो यार, इसकी बात से मेरे को इतना बुरा नहीं लग रहा, ये तो अपना वही काम कर रहा है इसको जो करना चाहिए। डेविड तो पिटेगा। फिलहाल मेरे बंदे कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर पहुंच गए, चारों तरफ मैंने खड़े करके रखे हुए थे क्योंकि ड्रैकुला इतनी मुश्किल से मिलने आया, हाथ लगाया, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। ड्रैकुला तूने बड़ी फेंक ली बेटे, अब चल गैरेज में चलने के लिए तैयार। तू फिलहाल उसका बेटा हो या भाई हो मेरे को कुछ नहीं पता, मेरा टारगेट है तेरे को पकड़ना। और बिग माम भैया ऐसे एक्सचेंज थोड़ी हो जाओगे, मेरी आर्मी को मैं पहले लेकर के आया था बैकअप के तौर पर, चारों तरफ से तुम लोगों को घेर लिया है, समझ में आया, बचने का कोई तरीका नहीं है। ड्राइवर तू बच्चा ही रहेगा बेटे, तेरे को पता है ड्रैकुला कच्चे काम करता ही नहीं है। तूने क्या सोच लिया कि मैं इस वक्त तेरे डेजर्ट पर हूँ? अबे ये एक होलोग्राम है जिससे तू बातें कर रहा है ड्राइवर, अगर तू कुछ सेकंड्स में यहाँ से नहीं निकला तो मर जाएगा। तूने मेरा ऑफर नहीं लिया ना ड्राइवर, तो अब देख तू तेरे साथ होता है क्या, अब से तेरे और मेरे बीच में खुली बोर है। बस इंतजार कर, जब मेरे को वक्त मिलेगा तब तू मरेगा, कुछ दिन की जिंदगी तेरे पास में जी ले, उसके बाद तुम मरा। फिलहाल भाई मेरे को निकलना पड़ेगा क्योंकि ये बंदे ने बहुत ज्यादा अमेजिंग प्लान बना करके रखा हुआ है, मिसाइल छोड़ के रखी है ऊपर की तरफ से, यहाँ पर ये आया ही नहीं है। इसका मतलब अब तक मैंने इससे एक बार भी रियल फेस टू फेस बात ही नहीं करी। बच गए भाई बच गए, आराम से ट्रेवरो आराम से, अमेजिंग काम किया, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। फिलहाल लेस्टर तो ठीक है ना, लेस्टर बिल्कुल ठीक है, होलोग्राम था, सिर्फ यहाँ पर बिग माफिया को एक्सचेंज करने के लिए आया था। बिग माफिया भाग गया भाई पीछे से, एक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी पीछे खड़ा हुआ था, वो बच गया, बाकी बंदे मर गए होंगे शायद से, मेरे को नहीं पता, बट बिग माफिया बच चुका है एंड ड्रैकुला यहाँ पर था ही नहीं, वो होलोग्राम था। बट चलिए जो भी बात उसने बोली वो मेरे को लगता है बड़ी खतरनाक है, सच्ची में यार अगर ऐसी है तो बहुत बुरा हुआ। अब इसने मेरे को कुछ दिन का टाइम दिया, बोल रहा है ड्राइवर कुछ दिन बाद मैं तेरे को खत्म कर दूंगा क्योंकि तूने ऑफर नहीं लिया। इसने मेरे को ऑफर दिया था मेरी जान बचाने का, आपने सुनी लिया ऑफर क्या था, बट आपको बताया इतनी चीज बड़ी हाथ मेरे को लगी और मैं ऐसे दे दूँ बेवकूफ थोड़ी हो।
फिलहाल ये कुछ करने बिजी है, वो मेरे को पता नहीं है, कुछ एपिसोड में पता लग जाएगा धीरे धीरे। ये बोल रहा है जब इसको टाइम मिलेगा अब तब ये अटैक करेगा, क्योंकि अब इसके और मेरे बीच में खुली वो है क्योंकि मैंने इसकी बातें नहीं मानी। चलिए भाई जो भी है वो हम देख लेंगे। बट लेस्टर को फेंक करके सेफली अब डेविड तो गया। डेविड ने वो कर दिया जो उसको नहीं करना चाहिए था। इतना बड़ा झूठ यार, मैंने तो इसको बेटा सोचा था इसको, सच्ची में। आप लोगों ने भी यही सोचा होगा, मतलब बेटा बोल रहा हूँ, भाई छोटा भाई, मतलब लगता है ड्रैकुला बेटा है। तो अपने बेटे को कौन मरवाता है? ऐसा दुनिया कौन सा पापा है जो अपने बेटे को मरवाता है? अब है डेविड है भाई। अब आप मिसाल दे सकते हो कि ऐसा कौन सा पापा है जो बेटे को मरवा देगा? तो बोल देना डेविड है जो मरवा देगा, अपने बेटे को मरवाने में लगा हुआ है। क्या कमाल का आइटम है यार। पहुंच चुका हूँ डेविड के पास में। पानी वो कहते हैं ना सर के ऊपर से निकल गया। अब नहीं मानूंगा इसकी एक भी, और ना इससे बातें पूछूंगा और ना कुछ भी इसकी मानूंगा, क्योंकि ये बंदा सेल में रह करके मेरे को बहुत बेवकूफ़ बना रहा है। यह अभी भी कुछ ऐसे काम कर रहा है जिससे मेरे को नुकसान हो सकता है ना। डेविड जी कैसी हो आप? अब ज़रा आपको पता ही होगा क्यों मैं आपसे मिलने आया हूँ, ताकि आपकी चटनी बना सकूँ। मेरे को बोला तू ड्रैकुला तेरा भाई है, झूठे बंदे। ओ सॉरी यार ड्राइवर, देख मैं थोड़ा मजबूर था, मैं तेरे को सच्चाई नहीं बता सकता था। अगर मैं तेरे को बताया था तो सोचता मैं दुनिया कैसा पापा हूँ, बट वो अच्छा बंदा नहीं है, उसको मरना जरूर पड़ेगा ड्राइवर। वो है मेरा बेटा ही, बट वो मरना चाहिए, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। ड्राइवर प्लीज उसको मार दे, नहीं तो वो अपने भाई को मार देगा जान से। एक और झूठ भाई, इसने बोला कि वो अपने भाई को मार देगा। वो बोल रहा है मैंने उसको बराबर बचाने की कोशिश करी है। अब जैसा भी है देखते हैं भाई, मुझे तो इससे सच्चा ड्रैकुला लग रहा है। अब वो तो पता लग जाएगा। बट बेटे तू तो गया। डेविड भैया करवाता हूँ तुम्हारा इलाज। मैंने पीछे एक शावर टाइप की चीज़ लगवा के रखी है जो पानी का प्रेशर फेंकती है बार बार। इससे क्या होगा, इसका पूरा सेल गीला हो जाएगा, ज़मीन गीली हो जाएगी, छत भी पूरी गीली हो जाएगी। अब इसको आएगा मज़ा। मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, नहीं तो पानी का असर अगर मेरे को भी लग गया ना तो झटका लग जाएगा बहुत ज़्यादा। फिलहाल आप पीछे देख रहे हो मैंने सेल में पानी की पूरा एक तरीके से प्रेशर लगवा दिया है। ये धीरे धीरे झटके मारता रहेगा पानी का और पूरी सेल ऐसे में पानी लगता रहेगा। देखो कैसे डांस कर रहा है। क्या हो गया भैया? डेविड भैया को लगा करंट, ले 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 खड़े खड़े करंट लग गया। पूरे एक घंटे तेरे को ऐसे ही करंट लगेगा, तब तेरे को मजा आएगा। मेरे से झूठ बोलने का नतीजा, मैंने अब तक तेरे को प्यार से रखा, प्यार से सारे काम किए, बिल्कुल भी कोई हार्ड नहीं हुआ, ना तेरे को मारा, क्योंकि मैंने सोचा चलो पकड़ लिया प्यार से रहूंगा, बट तू डिजर्व नहीं करता नमूने इज्जत, झूठा एक नंबर का। अंदर बंद होकर भी कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। बट अच्छा मेरे को टाइम पर खुद ही पता लग गया, ये मीटिंग मैंने कर ली ड्रैकुला से, और मेरे को पता लग गया उसने मेरे को बोल दिया कि मैं उसका बेटा हूँ। उसने मेरे को यही बोला वो तेरा बेवकूफ़ बना रहा है, कुछ ना कुछ जरूर उसका प्लान है। चलिए भाई जो भी है निकलते हैं भाई, देखते जो भी है। इन दोनों पापा बेटे के बीच में परेशान हो गया मैं। खैर कोई बात नहीं, मेरा तो फायदा हुआ इस एपिसोड में, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरे को बेस चाहिए था, मेरा बेस मिल गया। कल के एपिसोड्स में आप देखिए हमारा बिजनेस बहुत हम एक्सपेंड करेंगे और भी बहुत सारे काम करेंगे। जल्द ही अब मैं सारे काम करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को इनके भरोसे रहना ही नहीं है। मेरे को अपना खुद का ब्रांड शुरू करना है जिससे वो सबसे ऊपर रहेगा वर्ल्ड में और ये सब नीचे रहेंगे। यही करेंगे भाई, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है।